हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो कर रहे होंगे। आपको केमिस्ट्री समझ में भी आ रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेके आया हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ लॉग वैल्यू। राइट, यू नो इसका ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ता है? आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पड़ेगा, राइट, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में पड़ेगा एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो लॉग की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल? तो उसके लिए रफी सर का सिंपल ट्रिक, ध्यान से देखो। तो पहले सम ऑफ द बेसिक पॉइंट जो ऑलरेडी आप जानते हो कि देखो लॉग 10 और ए, राइट। तो लॉग 10 जो है वो यहाँ पे हम दिखाते नहीं है, जो बेस है वो मैं दिखाऊंगा नहीं या फिर दिखाया भी नहीं जाता है। तो इसलिए कहीं पे ये लिखा है एक ही बात है। पहले बेसिक पॉइंट हम समझ लें, सबका एक ही मतलब है, राइट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस कितना है? 10 है। लॉग ए की पावर बी होगा तो बी यूनो बाहर आ जाता है, राइट, तो बी लॉग ए हो जाएगा, ये भी आप जानते ही हो। नेक्स्ट लॉग ए इंटू बी, अगर मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन में जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये भी जानते हो, ये यूज़ करेंगे हम लोग। लॉग ए बाई बी डिवाइड में होगा तो माइनस में आ जाता है, ये भी आप जानते ही हो। नाउ जो पॉइंट है कि आपको लॉग की ये 6 वैल्यू याद रखनी है, राइट, लॉग की ये 6 वैल्यू याद रखना है। उसके बाद लॉग की कोई भी वैल्यू हो आप इजीली रफ़ी सर के ट्रिक से निकाल लोगे। तो लॉग की कौन सी 6 वैल्यू है? सिंपल है, एक लॉग 2 डेट इज 0.30, ये याद रखना है। लॉग 3 0.48, लॉग 5 0.70, लॉग 7 0.85, लॉग 1 0 हो जाएगा और लॉग 10 क्योंकि बेस और पावर सेम हो गया तो वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। तो ये 6 लॉग की वैल्यू याद रखना आपको। अब इसका यूज करके मैं लॉग की कोई वैल्यू निकाल सकता हूँ विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। एक और पॉइंट है एनालिसिस, ये क्यों कराने जा रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होंगे 4, राइट, तो हमें ऑप्शन तक पहुँचना है, राइट, क्योंकि हमें कैलकुलेट करके कोई नोबेल प्राइज तो मिलने वाला है नहीं, तो हमें बस आंसर तक पहुँचना है। इसलिए ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से देखो, लॉग 10 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 1 बाहर आ जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि बेस पावर सेम हो गया तो 1 हो जाएंगे। इस पॉइंट से लॉग 10 1 होता है, राइट। लॉग 100 जिसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर? 2। लॉग 1000 तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये एनालिसिस क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, 10 की वैल्यू 1 है, 100 की वैल्यू 2 है और 1000 की वैल्यू 3 है एंड सो ऑन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, तो यहाँ पे वैल्यू कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 1, बट यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ? जब 10 से 100 गए तो 90 का इंक्रीमेंट है और 100 से 1000 गए तो 900 का इंक्रीमेंट है। तो ध्यान से देखो, इधर में इंक्रीमेंट ज़्यादा है लेकिन इधर वैल्यूज में वही इंक्रीमेंट है, सेम इंक्रीमेंट है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको लॉग 10 से लेकर के लॉग 100 तक का बीच का कोई भी नंबर दे जाए तो आपको एक आइडिया है कि आपका आंसर 1 से 2 के बीच में आने वाला है, राइट। तो इससे हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं पे लॉग 100 से लेकर के लॉग 1000 तक के बीच का कोई नंबर है तो हमें आइडिया है कि हमारा जो आंसर है वो 2 से 3 के बीच आने वाला है, राइट। तो ये एनालिसिस का यही मतलब है कि हम एक एनालिसिस करके रखें कि हमारा आंसर किस रेंज में आने वाला है, कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। मैं इसका भी यूज करूँगा और इसका यूज करूँगा, इन दोनों के यूज से मैं लॉग की कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो देखिए इस एप्लीकेशन में, तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल 6 प्रॉब्लम लिया है। लॉग की मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू लिया, राइट, एक लॉग 4 मुझे निकालना है तो लॉग 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, लॉग 2 का पावर 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 log 2, और log 2 आपको मालूम है तो 2 × 0.3 तक कितना हो जाएगा? 0.6, सिंपल। सिमिलरली log 9 निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log 3 का स्क्वायर, फिर से बाहर आ जाएगा, log 3 कितना हो जाएगा? अभी बताया था 0.48, तो ये कितना आ जाएगा? 0.96। और एक आइडिया था क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 4 जो है वो 1 से 10 के बीच में, तो यू नो 1 की वैल्यू लॉग 0 होती है और 10 की वैल्यू 1 होता है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली ये भी 1 से 10 के बीच में है तो आंसर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये होगा। और जितना ज़्यादा 10 के क्लोज होगा उतना ज़्यादा 1 के क्लोज होगा, ये सब हम सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये 48 है तो ये 10 से ग्रेटर है, आपको मालूम पड़ गया ये 10 से ग्रेटर और 100 के बीच है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो डेफिनेटली 1 और 2 के
बीच में आएगा राइट। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करोगे, 48 को मैं क्या ले लूँगा, लॉग 50। लॉग 50 को क्या लिख सकता हूँ, लॉग 5 इंटू 10। तो लॉग ए इंटू लॉग बी क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट मीन्स लॉग 5 प्लस लॉग 10। लॉग 10 तो कितना हो गया 1, लॉग 5 कितना हो गया आपका 0.7। तो आंसर कितना हो जाएगा 1.7। तो एक ऐसे भी, और यू नो कि तुम ज़्यादा ले लियो तो थोड़ा सा इससे कम कर देना राइट। और अगर एग्जैक्ट नहीं करना तो भी हम कर सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हो, लॉग 16 इंटू 3। 16 क्या हो जाएगा, लॉग 4 का स्क्वायर राइट, और ये लॉग ए इंटू बी से ये लॉग 3, तो ये 2 लॉग 4 हो जाएंगे। लॉग 4 अभी निकाल चुके हैं 0.6, तो 2 इंटू 0.6 प्लस पॉइंट लॉग 3 इज 0.48, तो ये कितना आ जाएगा 1.68। तो आप देख सकते हो, और ये भी 1.7 थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने 50 ले लिया है। तो हमें कैलकुलेशन जो है वो अप्रॉक्स करना है, क्योंकि हमें नोबल प्राइज़ तो लेना नहीं है राइट। जैसे मान लो ये 976 है, तो आपको क्लियर हो चुका है कि ये वैल्यू 100 और 1000 के बीच में है, तो इसलिए हमारा आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। और ये वेरी क्लोज टू 1000 है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू वेरी क्लोज टू 3 आएगी। तो लॉग 900 ले लेता मैं इसको, तो वैल्यू कितनी आ जाती बताओ, 9 इंटू 100, तो 100 का 2 आ जाता राइट। और लॉग 9 इज अभी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है 0.96, तो ये हो जाएगा 2.96 लॉग 900। और इसको अगर 1000 लेता तो कितना होता, लॉग 1000 इज 3, तो राइट। तो एक आइडिया आपको आ गया कि आपका आंसर 2.96 से 3 के बीच में होगा राइट। अब यहाँ से यहाँ तक में देखो, 2.96 से 3 के बीच में, 2.96 से 3 के बीच में कितना और है, 0.04 ये गैप है। और यहाँ से यहाँ तक में कितना गैप है, 900 से 1000 में आपके पास टोटल 100 का गैप है राइट। तो हमें कितना चाहिए, 76, मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, मतलब 3 टाइम्स और इंक्रीज हो जाना है, तो इसकी वैल्यू क्लोज टू में कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में 2.99 के आसपास हो जाएगा। सिमिलरली मान लो ये निकालना हमें राइट, तो ये निकालना है, तो आप इसको कितना ले सकते हो, एक बार 2500 और एक बार कितना ले लो 2600। 2500 लिया तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100 राइट, और 100 तो 10 की पावर 2, तो 2 बार आ जाएगा, और 25 तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस लॉग 25 को क्या ले सकते हो, 5 का स्क्वायर, तो ये 2 लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू आपको मालूम है कितना, 0.7, तो कितना हो गया ये 2 प्लस 1.4 डेट इज 3.4। तो आप देख सकते हो कि ये 2500 3.4 आ रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा राइट, क्योंकि 2600 भी हम निकाल सकते हैं। तो एनी हाउ इसका आंसर वी कैन से कि इसका आंसर 3.41 के आसपास होगा, क्योंकि हमें अप्रॉक्स तक पहुंचना है राइट। तो आप उसके आसपास का वैल्यू आप लेकर के चल सकते हो। सिमिलरली लॉग 8, तो लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 लॉग 2, और लॉग 2 आपको मालूम है 0.3, तो 3 इंटू 0.3, तो कितना हो जाएगा ये 0.9। तो आप देख सकते हो, आप लॉग की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, और इनफैक्ट आप वेरी क्लोज टू आंसर तक पहुंच सकते हो, अगर मेरे इस लॉजिक को आप समझ गए हो तो। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग वैल्यू, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। और सबसे ज़्यादा ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है, जब आपको पीएच गिवन होता है और एच प्लस निकालना होता है राइट। यू नो पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू लिया हूँ पीएच का, और इससे एच प्लस कैसे निकालेंगे, रफी सर के सिंपल ट्रिक से। तो ध्यान से देखो, अगर पीएच गिवन है, एच प्लस निकालना हो, तो जो वैल्यू आपको गिवन होगी आपको क्या करना है, उसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर लिखना है। तो 5.6 के आगे कौन सा इंटीजर आता है, 6, और 5.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस कितना एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने 0.4, तो 6 माइनस 0.4 लिख सकता हूँ। डैट मीन्स 5.6 को आपको क्या लिखना है, 6 माइनस 0.4 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है राइट। कैसे, 6 में से 0.4 अगर हटाओगे तो 5.6 होगा, डैट मीन्स जो नंबर होगा उसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, और जितना ज़्यादा आपने ऐड कर दिया उसको माइनस कर देना है। ये जो वैल्यू है इसको 10 की पावर माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 6, और ये जो वैल्यू है इसको लॉग की वैल्यू से एडजस्ट कर देना है। तो 0.4 किसकी वैल्यू होती है, यू नो लॉग 2.3 होता है, ध्यान दो, लॉग 2 जो होता है वो आपका 0.3 होता है, और लॉग 3 जो होता है वो 0.48 होता है राइट। तो ये जो वैल्यू है वो 0.3 से
0.48 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में अप्रॉक्स हम ले सकते हैं, अप्रॉक्स इनटू अप्रॉक्स में मैं ले रहा हूँ 2.5, क्योंकि आपको ऑप्शन गिवन होंगे उससे आप इजीली पहुँच जाओगे। सिमिलरली जैसे मुझे मान लो ये निकालना है 8.1 पीएच, अगर 8.1 है तो एच प्लस कितना होगा, राइट? तो एच प्लस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 8.1 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 0.9, 8.1 हो गया, 9 को क्या करना है, 10 की पावर में माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 9 हो गया, और इनटू 0.9 किसकी वैल्यू होगी, तो 0.9 जो हो जाएगी वैल्यू, वो आपको log 8 की वैल्यू हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 का पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 log 2, और 3 log 2 कितना हो गया, 0.3, तो डेट इज 0.9, सब आपको बता रखा हूँ। तो 0.9 इज log 8 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इंटू 8, मतलब क्या करना है, पहला वाला इंटीजर को आपको 10 की पावर माइनस में जाने देना, और ये वाले को log की वैल्यू से एडजस्ट कर देना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, पीएच अगर 6.3 है तो एच प्लस बताओ, इस टाइप का पहले, तो बहुत ईजी वे में कर सकते हो, 6.3 को आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 0.7, ये वैल्यू को आपको क्या करना है, 10 की पावर माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 7 हो गया, और 0.7 किसकी वैल्यू होती है, log 5 की, तो 5 × 10⁻⁷, डैट मीन्स एच प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁷, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो पीएच अगर गिवन हो उससे एच प्लस निकालना, तो रफी सर के ये ट्रिक से कर सकते हो। सर इन जनरल बताओ, ये तो आयनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, अगर इन जनरल निकालना, जैसे log x 4.3 है तो x कितना होगा, तो वेरी सिंपल, 4.3 मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, 4 प्लस 0.3, राइट? तो ये 4 को क्या करना, 10 की पावर 4 में जाने देना, और ये 0.3 को log की वैल्यू से एडजस्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, log 2 होता है 0.3, तो इसलिए x की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 × 10⁴, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पुट करके देख लो, 10 की पावर 4 से 4 बार आ जाएगा, राइट? log a इंटू log भी लगा देंगे तो log 2.3, तो 4.3 हो जाएगा। सिमिलरली एक और, कि अगर log x 2.7 है तो x कितना होगा, तो देखो वेरी सिंपल, फिर से समझो, आपको क्या करना है, ये जो है 2 प्लस 0.7 लिख दिया, राइट, 2.7 को, तो 2 को क्या करना है, 10 की पावर में जाने देना है, तो 10 की पावर 2, 0.7 किसकी वैल्यू होती है, log 5 की, तो इंटू 5, तो 5, तो इसलिए x कितना हो गया, 5 × 10⁻², क्यों? क्योंकि आप करके देख लो एक बार, log 5 × 10⁻², तो ये log a इंटू log b हो गया, तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, तो log 5 हो गया आपका 0.7, और ये 2 log 10, तो ये 2.7 आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा एंटी log निकालना। जाते जाते ज्ञान की बात, और बहुत सिंपल है ये, कि देखो log e a होगा तो उसको ln a, डैट मीन्स इसको नेचुरल log बोलते हैं। तो अगर उसने बोल दिया ln लगा दिया, ln लिख दिया, तो मतलब नेचुरल log है, और उसका बेस क्या है, e है, वो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी, राइट? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस क्या है, e है। और अगर नेचुरल log से log विथ बेस 10 में, यू नो यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, राइट? तो अगर नेचुरल log से बेस 10 में जाना हो, तो 2.303 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्जन ध्यान में रखना है। तो आपको चूंकि इसकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करना ट्रिक से बता दिया हूँ, तो इसकी वैल्यू निकालना तो भी निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू निकालना तो भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का आपको कनेक्शन मालूम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये इतना log सिखाए क्यों, तो देखो उसको सिखाने के पीछे रीजन है मेरा, कि ये log की वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में यूज होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में log निकालना ही पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जब नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होगा, राइट? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल log क्यू, तो वहाँ पे भी यूज होंगे, इसीलिए log की वैल्यू हमें निकालना ही पड़ेगा। और आयनिक में जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कि H+ की वैल्यू आपको कहीं पे भी अगर निकाल लिया आपने, कि H+ x इंटू 10 की पावर माइनस वाई है, डैट मीन्स आपको साइंटिफिक नोटेशन में निकाल लेना है, जहाँ पे x की वैल्यू 1 से 9 के बीच में कुछ हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, राइट? तो अगर H+ इस फॉर्म में है, तो pH निकालना हो, तो डायरेक्ट ये जो y है वो यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखो y, और ये x में log लगा देना विथ माइनस साइन। जैसे कहीं पे H+ की वैल्यू है 2 × 10⁻³, अगर सपोज करो ये है, तो pH अगर आपको निकालना हो, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये 3 यहाँ जाएगा, और माइनस log 2, log 2 आपको बता रखा हूँ, 3 माइनस log 2 इज 0.3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.7।
तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉग वैल्यू कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, एंड ये लॉग वैल्यू हमने पढ़ाया क्यों आपको, क्योंकि ये तीनों चैप्टर में इसका यूज है। हेलो एवरीवन, कैसा काय? आज के इस वीडियो लेक्चर में जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट मैं दूंगा वो एक्चुअली एसिड बेस थ्योरी से रिलेटेड है और ये बहुत इजी है एंड इम्पोर्टेंट भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाए और वो एसिड है या बेस, तो उसको पहचानने के तीन तरीके हैं, राइट? सबसे पहले अरिहेनियस थ्योरी आई, ये सब साइंटिस्ट के नेम है, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड, उसके बाद लुइस, राइट? तो अरिहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो H+ डोनेट कर दे, राइट? और आप कैसे पहचानेंगे कि वो H+ डोनेट कर सकता है? तो वो हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए, फोन वर्ड से हम याद रख सकते हैं, या फिर sp कार्बन से, कॉर्नर वाले sp कार्बन से अटैच हो तो वो भी एसिडिक हाइड्रोजन में आ जाता है, राइट? और अगर कोई OH- दे रहा है तो उसको बोलेंगे बेस, अकॉर्डिंग टू अरिहेनियस ये था। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो एसिड है, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो ये एसिड हो गए, राइट? NaOH, तो यहाँ पे मेटल के हाइड्रोक्साइड है तो OH- देगा तो बेस, और ये सब H+ देंगे इसलिए एसिड। यहाँ पे BOH होल थ्राइस, एक्चुअली में इसको लिखेंगे तो H3BO3, बोरॉन के कंपाउंड है ये, बोरिक एसिड, तो ध्यान दें ये एसिड है, इसमें कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, बट यहीं पे POH होल थ्राइस होगा तो एक्चुअली में ये क्या है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये भी एसिड हो जाएंगे। तो डेफिनेटली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। तो इसका जो कहना था कि अगर कोई वाटर में ऐड करने के बाद H+ दे रहा है तो एसिड, OH- दे रहा है तो बेस, और कैसे पहचानेंगे उसका सिंपल तरीका ये है। बट ये थ्योरी हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती, कहीं कहीं पे फेल हो जाती है। तो फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया, तो उनका कहना था कि जो H+ डोनेट करे वो एसिड, सेम इसका भी कहना था, बट बेस को उसने अलग तरीके से डिफाइन कर दिया कि जो H+ एक्सेप्ट करे वो बेस, राइट? फॉर एग्जांपल NH3, तो इसके पास लोन पेयर है, ये H+ लेकर के NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, बेस। और यहाँ पे H2S, ये H+ दे सकता है तो ये क्या हो गया, एसिड। तो इसका भी कोई फाइन बाउंड्री नहीं था, तो बस इसका ये कहना था कि जो वाटर में ऐड करने के बाद H+ दे दे तो एसिड और H+ एक्सेप्ट कर ले तो बेस, राइट? उसके बाद लुइस थ्योरी आई, तो इसके अकॉर्डिंग कि वो जो लोन पर एक्सेप्ट करे, ध्यान से देखो, ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एसिड, जो लोन पर एक्सेप्ट करे वो एसिड होगा और जो लोन पर डोनेट करेगा वो बेस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पर है तो ये लुइस बेस कहलाएंगे, वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पर है तो ये भी लुइस बेस, यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये भी लुइस बेस, यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर है तो लुइस बेस। तो आपको लुइस के अकॉर्डिंग एसिड बेस कैसे पहचाना, डेट्स वेरी इजी, अगर उसके पास लोन पेयर है तो लुइस बेस, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है जैसे एल्युमिनियम के पास तो लुइस एसिड, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। BCl3, तो जितने भी 13 ग्रुप वाले हैं वो सब लुइस एसिड की कैटेगरी में आते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोन पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। कार्बोकैटन आपका ये सब लुइस एसिड हो जाएगा, राइट? और ये सब यूज भी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसलिए पॉइंट ध्यान में रखना है। तो याद कैसे रखेंगे, तो वेरी सिंपल है, ए फॉर अरिहेनियस, बी फॉर ब्रॉन्स्टेड और एल फॉर लुइस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया ABL, पहले अरिहेनियस थ्योरी आई, फिर ब्रॉन्स्टेड, फिर लुइस। इस पे बेस्ट क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं और आपको आसानी से होना चाहिए, इसलिए ये कंसेप्ट को, इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेना आप। नाउ नेक्स्ट, एसिड आइदर वीक होंगे या स्ट्रांग होंगे, राइट? आप कैसे पहचानेंगे कि कोई गिवन एसिड स्ट्रांग है या वीक, तो डैट्स वेरी सिंपल, अगर किसी एसिड का इक्विलियम कांस्टेंट के ना तो क्वेश्चन में दिया है ना ही उसके बारे में निकालने को कहा गया है तो फिर वो एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा, बाय डिफ़ॉल्ट 6 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें से 3 तो हैलोजन वाले हो गए, HCl, HBr, HI, ईजिली याद हो जाता है। फिर ऑक्जो एसिड में HClO4, HNO3, H2SO4, तो ये टोटल 6 एसिड बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो वीक एसिड में आते हैं। और दूसरा, उससे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है, जिसका इक्विलियम कांस्टेंट नहीं गिवन है स्ट्रॉन्ग है, जिसका दे दिया तो वो वीक होगा,
राइट। सिमिलरली बेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन स्ट्रॉन्ग कैसे पहचानेंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी आपको ना तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ना ही उसके बारे में पूछा गया है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा राइट। और बाय डिफॉल्ट पांच बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन है, तो चार फर्स्ट ग्रुप वाले हो गए, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के हाइड्रोक्साइड, और एक सेकेंड ग्रुप वाले लास्ट वाले बैरियम के हाइड्रोक्साइड। तो ये पांच बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, इसको छोड़ करके जो भी है वो वीक बेस है, या फिर क्वेश्चन में अगर के वी नहीं गिवन है तो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज के वी गिवन है तो वीक है। ध्यान दो, अगर के वी इसका भी दे दे तो फिर वीक है। के वी की वैल्यू देखना, और डेफिनेटली के वी की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन वन होगा राइट। यहाँ भी के ए की वैल्यू लेस देन वन होगी, तो ये क्लियर हो गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, आप कन्फ्यूज ना हो उसके लिए रफी सर आपके साथ हैं। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से जब आप H निकाल दोगे तो उसका जो कंजुगेट बनेगा उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं, एसिड का कंजुगेट बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जब हम H निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस, और वो एक वीक बेस होगा, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कैसे, इससे आ रहा है राइट, और के ने गिवन है तो इससे हेच निकाल दिया हमने, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हेच निकालने के बाद जो बचा उसको बोलेंगे कंजुगेट बेस, और ये एक वीक बेस होगा, दैट मीन्स ये जल्दी आपको लोन पर नहीं देगा। और आप कैसे पहचानेंगे कि एसिड किस में लगाना है बेस किस में, तो वेरी सिंपल है बेटा, सब में यही पॉइंट लगेगा, H प्लस का डिफरेंस होता है, ओनली एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा उसके फॉर्मूला में, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसमें एसिड वर्ड ऐड होगा, और जिसमें हाइड्रोजन कम होगा उसमें बेस वर्ड लगा रहेगा। तो वेरी सिंपल है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो गया तो एसिड, यहाँ पे कम हाइड्रोजन तो बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता, एंड वाइस वर्सा, अगर वीक एसिड होता तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता। तो ध्यान दे, अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड ये बन सकता है, ये पॉसिबल है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, बट वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड ये कभी नहीं बन सकता। तो आप समझ सकते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन को रिप्लेस कर सकता है राइट, लेकिन वीक पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सन को रिप्लेस कर दे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो वेरी सिंपल है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। वैसे ही बेस के केस में स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंजुगेट होगा उसको एसिड बोलेंगे, बेस के कंजुगेट को एसिड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल NOH, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि यहाँ से इससे OH माइनस हटा दिया तो Na प्लस, तो ये कंजुगेट एसिड हो गया, और ये बाय द वे वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंजुगेट होता है वो एसिड होता है और वो वीक एसिड होता है, ये ध्यान रखना, एंड वाइस वर्सा, वीक बेस होता तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लुइस बेस, तो लुइस के अकॉर्डिंग बेस वो नहीं है जो लोन पेयर ना दे सके। ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर होगा क्योंकि चार ही बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो यही लुइस बेस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ClF3 में क्लोरीन के पास दो लोन पेयर। तो लुइस के अकॉर्डिंग वेरी सिंपल है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन बाय, वाटर एम्फोटेरिक है नेचर में, डैट मीन्स ये एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी, तो कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो लुइस के अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखो तो वाटर के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लुइस बेस का काम कर सकता है, लेकिन ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई वैकेंट और वाइटल नहीं है, तो इसलिए लुइस तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अरिहेनियस के अकॉर्डिंग ये H प्लस दे सकता है राइट, बट OH माइनस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन हो जाएंगे क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक कैसे है। तो जैसे वाटर की रिएक्शन आप NH3 से कराओगे तो यहाँ पे वाटर NH3 को H दे देगा तो NH4 प्लस बन जाता है और OH माइनस, तो वाटर ने क्या दिया इसको, H प्लस, तो यहाँ पे वाटर किसका काम कर रहा है आपका, एसिड का, तो ये कौन हो गया, बेस। सिमिलरली अगर यहीं पे वाटर की रिएक्शन सपोज करो आप H2S से कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे वाटर इससे H प्लस ले लेगा तो खुद क्या बन जाएगा, H3O प्लस और HS माइनस, क्योंकि सल्फर बड़ा साइज है, इस पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमने
एच ओ माइनस नहीं बनाया, ओ एच माइनस नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ध्यान से देखो, इसने इससे एच प्लस लिया तो ये बेस का काम कर रहा है और ये एसिड का, तो वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन सिमिलर टाइप क्वेश्चन, विच इज लुइस एसिड, तो लुइस के अकॉर्डिंग एसिड वह जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, लोन पेयर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास वैकेंट और वाइटल हो, और किसके पास होगा, तो वो बता दिया 13 ग्रुप वाले, यहाँ पे ये 15 है, ये नाइट्रोजन 15 है, ये तो फर्स्ट ग्रुप का, ये बोरॉन हो गया आपका 13, तो इसी के पास, क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट और वाइटल होगा। नेक्स्ट कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, तो कंजुगेट बेस पूछा राइट, और हाइड्राजोइक एसिड लगा हुआ है, तो हाइड्राजोइक एसिड HN3 को बोलते हैं राइट, और इसका कंजुगेट बेस मतलब H निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, N3-, डेट इज ऑप्शन B, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है आपको। सिमिलरली 5th में करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी, कौन जल्दी H प्लस लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप इसको H प्लस एक्सेप्ट करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, HI HF H2S NH3। आप जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एसिडिक ऑर्डर ऐसे आएगा, HI सबसे ज़्यादा होगा, फिर HF H2S NH3, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस है, वीक है मतलब वो H प्लस जल्दी नहीं लेगा, तो इसलिए प्रोटॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा ये, तो इस टाइप से आपको करना है, रफी सर जैसा सोचना बता रहे हैं, अगर वो वीक बेस है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो जल्दी करेगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप से आपको एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, और आपसे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो वेरी सिंपल, यू नो जिसका Ka ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ पर अगर मैं एसिडिक ऑर्डर निकालता तो सबसे ज़्यादा Ka वैल्यू कौन है, ध्यान दें 10^-, में तो सबसे ज़्यादा आपका ये वैल्यू है, तो HF होता है एसिडिक, फिर कौन हो जाता है HNO2, फिर HCN, और यू नो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है राइट, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा है तो ये वीक बेस हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, F-NO2- और CN-, डैट मीन्स CN- सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर NO2- लास्ट में F-, तो ये आंसर हो जाएगा, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट इस टाइप से दे सकता है कि कोई डाइप्रोटिक एसिड है, उसका Ka1 Ka2 गिवन है, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, डैट मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, कि जो H2A है वो HA- और H+ में गया, तो आपको Ka1 10^-5 है, फिर ये HA- आपका H+ और A-2 में गया, तो 5×10^-10 है, तो ओवरऑल मतलब दोनों को ऐड कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो H2A gives you 2H+ right और A-2, तो ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप जानते हो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5×10^-15, तो आंसर क्या रहेगा, 5×10^-15। क्वेश्चन नंबर 8 में कंजुगेट बेस ऑफ OH-, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान दो कंजुगेट बेस पूछा है किसका, OH- का, डैट मीन्स एसिड का कंजुगेट बेस होता है राइट, तो इसका मतलब ये खुद क्या है, एसिड है, और इसका कंजुगेट बेस मतलब ये एसिड है तो उसमें एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, तो कम वाला कौन कौन है, ये चूंकि ऑलरेडी इस पे एक माइनस है, एक और हाइड्रोजन जाएगा H प्लस के फॉर्म में, तो -2 आएगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, D। सिमिलरली कंजुगेट बेस ऑफ दिस अगेन, तो कंजुगेट बेस पूछा है, डैट मीन्स ये खुद क्या है, एसिड, एसिड का कंजुगेट बेस होता है, और ये अगर एसिड है तो इससे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था ऑलवेज एसिड में एक ज़्यादा हाइड्रोजन होता है और कंजुगेट बेस में उससे एक कम, तो इससे एक कम कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखो HPO4-2 क्यों आया, क्योंकि एक माइनस था, एक और हाइड्रोजन जाने से एक और माइनस आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, तो वेरी सिंपल, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कौन वर्क कर सकता है, तो जो H+ दे भी सके और H+ ले भी सके, तो HSO4- में माइनस है तो ये H+ ले सकता है और H+ ले करके H2SO4 में चला जाएगा, चूँकि इसके पास अभी भी एक H है तो दे सकता है, SO4-2 में चला जाएगा, तो ऑप्शन A हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Na2CO3 में ऑलरेडी ये कार्बोनेट आयन हो गया, तो अब ये H+ ले सकता है, दे नहीं सकता, NH3 में लोन पेयर है राइट, तो ये H+ ले सकता है, दे नहीं सकता,
OH माइनस में अगेन ये H प्लस ले सकते हैं, दे नहीं सकते, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन जाएगा, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन को रिप्लेस कर सकता है, बट वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी नहीं बनता। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो जाएगी, बट वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन सकता। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन दे दिया, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप एसिड वाले पार्ट को उठा लो, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, CH3COH एक वीक एसिड हो गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा, डेट मीन्स ये रिएक्शन हो जाएगी। ओनली एसिड वाले पे ध्यान देना, जैसे इस केस में आपको ये क्लियरली मालूम है कि ये एक वीक एसिड है एसिटिक एसिड, और यहाँ पे ये मालूम है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे चार ऑप्शन क्रिएट करके दे सकता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप कर सकते हो। सिमिलरली जैसे क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है ऐसा पूछ ले, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, H2SO3 एक वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है, डेट मीन्स ये रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक से स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आयनिक इक्विलिब्रियम से आने वाले बेसिक प्रॉब्लम को आप विद इन 1 मिनट में कर लोगे। तो टोटल मैं 10 पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ, उस 10 पॉइंट को अच्छे समझना, वेरी इजी है ये, आगे भी प्रॉब्लम में काम आएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते थे, के इक्विलिब्रियम उसको के से रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर अगर एसिड होगा तो के ए लिख सकता है, बेस होगा तो के बी लिख सकता है, सॉल्ट के केस में उसको के एस पी लिख सकते हैं, तो ये सब एक ही बात है, ऑल आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डैट मीन्स जब टेम्परेचर चेंज करोगे तभी चेंज होगा, बाकी चीज़ चेंज करने से चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। पॉइंट नंबर 2 कि हमारा सॉल्वेंट इस चैप्टर में फिक्स हो गया वाटर, वाटर एक सॉल्वेंट है। अब वाटर में आप एसिड ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड कर दो, या कुछ भी मत ऐड करो, चाहे ऐड करो या नहीं करो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दोनों का प्रोडक्ट 10^-14 के बराबर होगा, डैट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। तो ये फिक्स है एट फिक्स टेम्परेचर, डैट इज रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो यही लेंगे, या फिर 99% क्वेश्चन में टेम्परेचर यही होगा। जब तक के टेम्परेचर को वेरी ना कराए तब तक आपका ये चीज़ वैलिड रहेगा, चाहे आप एसिड ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, समझ गए बात। इसीलिए pH प्लस POH का सम भी फिक्स हो गया आपका, डैट इज 14, और उसको PKW बोलेंगे। ये चीज़ें तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कराएंगे। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या आपको ये वैल्यू याद रखना है? नहीं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ 298 केल्विन के लिए आपको ये याद रखना है, ये नहीं गिवन होगा, बट अदर टेम्परेचर पे आपको KW की वैल्यू गिवन होगा। और एक और आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि वाटर H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, उसको ऐसे भी दिखा सकता है या फिर इस फॉर्म में भी, H प्लस और H3O प्लस एक ही बात है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर को हम उसके आयंस में ब्रेक कर रहे हैं, तो हीट देना पड़ेगा, ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा। इसीलिए अगर टेम्परेचर आपका ये 298 या 300 से ज़्यादा है तो उस केस में KW की वैल्यू 10^-14 से ज़्यादा होने वाला, मतलब -12 होगा। इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि माइनस पावर जितना कम होगा उतना वैल्यू ज़्यादा, और अगर टेम्परेचर मेरा 300 से कम है तो फिर KW की वैल्यू 10^-16 मतलब 14 से कम होगा। तो जितना ज़्यादा पावर माइनस में उतना कम, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डैट मीन्स 298 से चेंज किया तो KW तब चेंज होगा, अदरवाइज ये चीज़ें फिक्स, इधर वाली चीज़ें फिक्स, क्लियर। पॉइंट नंबर 5 यह है कि ऑलवेज इस चैप्टर में आपको H प्लस या OH माइनस के पीछे भागना है। अगर आपको H प्लस मिल गया तो बाय डिफॉल्ट OH माइनस मिल चुका है, या OH माइनस मिल गया तो H प्लस, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फिक्स हो गया 10^-14, तो इसलिए ऑलवेज इस चैप्टर में H प्लस का कंसंट्रेशन किसी तरह निकाल लेना या OH माइनस का।
पॉइंट नंबर सिक्स, अगर पीएच गिवन होगा तो उससे एच प्लस कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल ट्रिक, ध्यान से देखो। जैसे पीएच 5.4 है तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा, 5.4 का 6, और कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया आपने 0.6, उसको माइनस कर देना। डैट मीन्स 5.4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जो इंटीजर होगा उसको 10 की पावर माइनस में जाने देना है, और ये जो वैल्यू बचेगी उसको लॉग की वैल्यू से एडजस्ट कर देना। तो इसलिए एच प्लस क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁶, क्यों, क्योंकि लॉग 4.6 होता है, समझ के बाद। और इसका उल्टा अगर आपको एक्स डेट मीन्स एच प्लस ओ एच माइनस एटसेट्रा कुछ भी गिवन हो, तो फिर पी एक्स या पी एच पी ओ एच पी के डब्ल्यू पी के कुछ भी निकालना हो, तो अगर इस फॉर्म में साइंटिफिक फॉर्म में लेके आ जाना है, जो 10 की पावर माइनस में होगा उसको यहाँ ले लेना और इसके साथ लॉग लगा देना विथ माइनस साइन, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर पी एच गिवेन है तो एच प्लस, और अगर एच प्लस गिवेन है तो पी एच कैसे निकालेंगे, क्लियर। पॉइंट नंबर 7, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसका पीएच 7 होगा रूम टेम्परेचर पे। 7 से पीएच कम है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक है। जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा बेसिक, जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा एसिडिक। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपने ये पता कर लिया कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है, तो हमें आंसर का पता लग गया, हमारा आंसर 7 से कम होगा, और अगर बेसिक है तो हमारा आंसर 7 से ज़्यादा होगा पीएच का, और अगर न्यूट्रल है तो 7 हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। पॉइंट नंबर 8, पी पर एनी पावर एक्स होगा तो उसको माइनस ऑफ लॉग एक्स ऐसे डिफाइन करते हैं, इसलिए पीएच माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, पीओएच माइनस ऑफ लॉग ओएच माइनस, तो ये आप जानते हो। पॉइंट नंबर 9, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एच प्लस इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा, बट पीएच कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिडिक उतना कम पीएच, पीके भी कम होगा, लेकिन पीएच 7 से कम होगा, ये ध्यान रखना है। वैसे ही बेसिक में अगर बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ओएच माइनस इंक्रीज होंगे, के भी इंक्रीज होगा, राइट, बट पीओएच कम हो जाएगा क्योंकि पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा तो पीएच प्लस पीओएच का सम 14, तो पीएच ज़्यादा हो रहा है तो पीओएच को कम होना पड़ेगा। तो बेसिक में पीएच बढ़ेगा बट पीओएच कम होगा, पीके भी कम होगा, तो ये सब में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी पी वर्ड लग गया है तो वो कम हो जाता है, एसिड में पी लग गया तो कम हो गया, अगर इंक्रीज कराएंगे बेसिक में पी वर्ड लग गया तो कम हो जाएगा, बट ध्यान दे बेसिक है तो ओएच वाला, पीएच वाला पी लगा लेकिन इंक्रीज होगा, और चूंकि ओएच माइनस बढ़ रहा है तो एच प्लस को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फिक्स होने वाला है। तो सिंपल है, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो एक बढ़ेगा तो एक को घटना पड़ेगा। तो फिर ये टोटल 10 पॉइंट है जो बेसिक प्रॉब्लम को करने के लिए सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में 1 लीटर HCl सॉल्यूशन था, पीएच उसका 1 है, उसको हमें कन्वर्ट करना है पीएच 2 में, तो कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, पीएच अगर आपका 1 है तो एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻⁹, डायरेक्ट, राइट, तो ये जो है वो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम 1 लीटर है तो एच प्लस का मोल्स कितना हो गया आपको, ध्यान से देखो तो 10⁻⁹। अब हमें पीएच 2 चाहिए, पीएच अगर 2 चाहिए मतलब एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, 10⁻², मोल्स तो वही रहने वाले, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स बाय वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा, मोल्स अभी भी 10⁻⁹, और ये नीचे डिवाइड कर दोगे 10⁻², तो वॉल्यूम 10 लीटर होना चाहिए। बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 10 लीटर टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, जिसमें 1 लीटर तो था ही, तो एक्स्ट्रा हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो 9 लीटर, ये चीज़ ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। तो 9 लीटर ऐड कर देंगे तो 9+1 10 लीटर हो जाएगा, तो फिर पीएच 2 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ पीएच 12, तो अगेन पीएच अगर 12 है तो पी ओ एच कितना हो जाएगा, 2, ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे बेस है, बेस के केस में ओ एच मिलेगा हमें, और ध्यान से देखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक कैसे होगा, तो कैल्शियम प्लस 2 में और 2 ओ एच माइनस में। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन है, डैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बाय डिफॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको एरो एक ही दिखाना है, ये सारे पॉइंट है जो ध्यान से समझना आपको, राइट। तो 2 ओ एच माइनस, इस पूरे का कंसंट्रेशन आपको कितना है, पी ओ एच 2 है तो ओ एच माइनस कितना हो जाएगा,
10 की पावर माइनस टू, तो ये आपको 10 की पावर माइनस टू है। तो हमसे पूछा गया है इसका मिली मोल्स, ध्यान दें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टॉइकोमेट्री 2 है, तो इसका 2 मोल के लिए इसका एक ही मोल लेना है, राइट। तो इसका 10 की पावर माइनस टू है, तो इसका उसका हाफ लेना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस टू बाई टू, इतना मोल्स हमें चाहिए मिली मोल्स में, तो हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसका मिली मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके मिली मोल्स जो हमें चाहिए राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको गिवेन है कितना 100, मिली से मिली कैंसिल हो जाएंगे, तो मिली मोल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, 1/2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर माइनस 2 इंटू 100, तो ये हो गया 0.5। लेकिन हमें आंसर कैसे करना है वो ध्यान से देखो, x इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो हमारा आंसर x क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, आपसे ना हो इसलिए ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में H प्लस को चेंज किया गया है 1000 के फैक्टर से, तो pH में क्या चेंज होगा। तो यू नो कि जो H प्लस है, अगर आपको गिवन है कंसंट्रेशन H प्लस, तो pH क्या होता है माइनस ऑफ log H प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हो 1000 को 10 की पावर 3, तो ये 3 बाहर आएगा, तो ये चेंज होगा बाय ए फैक्टर ऑफ 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो बाय 3 से ये डिक्रीज हो जाएंगे अगर फैक्टर से इंक्रीज कराओगे तो। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको इस टाइप से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा और किसी का पूछा जाएगा, इस रिएक्शन का अगर K1 है, इस रिएक्शन का K2 है, तो इसका बताना। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इन दो रिएक्शन को, ऊपर वाली दो रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ये मिलेगा, तो इसलिए Ka3 जो हो जाएगा, चूँकि ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से, तो Ka3 Ka1 और Ka2 के बराबर हो जाएगा। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, बट आपसे गलती ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH का बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, NaOH से हमें OH माइनस मिलेगा, डायरेक्ट OH माइनस कितना हो गया 10 की पावर माइनस 3। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन है, सिंपल। तो ये हो गया, तो H प्लस कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11। कैसे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 10 की पावर माइनस 14, इसलिए pH पूछा, ये ध्यान देना। तो pH कितना हो जाएगा 11, अगर POH पूछता तो वो कितना हो जाता 3। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट ये 10 की पावर माइनस 3 देखता है 3 कर देता है, वो POH हुआ, pH 11 हुआ, यहाँ pH पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड कंटेंस H प्लस कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का कितना कंसंट्रेशन होगा, x इंटू 10 की पावर माइनस 12 में ये गिवन है, तो x की वैल्यू बताना है। तो वेरी सिंपल, अगर H प्लस मालूम है, ध्यान से देखो H प्लस कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो OH माइनस कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 होना चाहिए, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा आपका 12, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। कैसे, 10 से एक पावर कम हो जाएगा, तो 12 और 3 15, एक कम हो गया तो 10 की पावर माइनस 14, तो ये OH माइनस का आ गया। अब बैरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अगेन आपको उसका के भी नहीं गिवन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस बैरियम प्लस 2 और 2 OH माइनस, ध्यान दे OH माइनस का कंसंट्रेशन 2 मोल्स का है ये, तो एक मोल का कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12, इसका एक मोल लेंगे तब इसका 2 मोल्स मिलेगा, डेट इज़ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जो हमें चाहिए था, तो इसका कितना लेना है 10 की पावर माइनस 12, तो 10 की पावर माइनस 12 है यहाँ, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट टाइप था कि pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो Kw इंक्रीज होगा या H प्लस इंक्रीज होगा, तो pH कम होगा, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज, तो वाटर को डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो इट इज़ ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्जो नहीं होगा, तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में pH ऑफ 10 की पावर माइनस 4 मोलर OH माइनस गिवन है एट 330 केल्विन, राइट। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया तो आपको देखो Kw की वैल्यू दे दिया है, तो अगर Kw ये है तो PKW कितना हो जाएगा 13.6, और वी नो PKW क्या होता है pH प्लस POH, यहाँ से POH आपको मिल जाएगा कितना 4, क्योंकि 10 की पावर माइनस 4 है, तो ये 4 पुट कर दो, ये pH, तो आपका कितना आ गया pH
पीएच आ जाएगा 9.6। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पीएच ऑफ 5×10⁻²− मोलर एनओएच, अगेन पीएच पूछा है, गलती नहीं करना है। तो आपको यहाँ से ओएच माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया 5×10⁻²। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे? के भी नहीं गिवन है। तो एच प्लस कितना हो जाएगा? 2×10⁻³ कितना हो जाएगा? माइनस में 13। कैसे? 5×10⁻⁰ एक पावर कम हो जाएगा। तो एच प्लस आ गया, तो पी एच कितना हो जाएगा? आपको बताया था, इसको बाहर ले लो, माइनस में लॉग 2। तो लॉग 2 कितना होता है? 0.3। तो 13 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.7। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में पी एच 5.4 है, तो एच प्लस बताना है। तो आपको अभी ट्रिक बताया था, 5.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 − 0.6। तो ये 10⁻⁶ में चला जाएगा, 10⁻⁶। तो ये ऑप्शन सब गया, ये हो सकता है और ये हो सकता है, और 0.6 इज log 4, क्लोज टू 4 होना चाहिए। तो 3.98 क्लोज टू 4 है, ये 3.68 नहीं है, तो ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ ज्ञान की बात में, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पी एच 1 से अगर पी एच 2 करना हो तो कंसंट्रेशन आपको ध्यान से देखो 10 टाइम्स से चेंज करना पड़ रहा है। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर 1 टाइम से इंक्रीज कराना चाह रहे हो तो चेंजेज आपको 10 टाइम से कराना पड़ेगा। जैसे 2 से 3 ले जाना है तो चेंज यहाँ से यहाँ तक में 1 का है, बट यहाँ से यहाँ तक में आपको कितना चेंज कराना पड़ रहा है? 10 टाइम्स का। 1/10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी। तो इसलिए ध्यान देना है कि पीएच में चेंज स्लोली होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस में चेंज बहुत फास्टली होगा, और 10 टाइम्स का होता है अप्रॉक्स। हेलो एवरीवन, कैसा काय? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 टाइप के सॉल्यूशन का पीएच निकालेंगे, वो भी रफी सर के सिंपल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से। तो पहला टाइप है कि जब सिर्फ वाटर है आपके पास, राइट, जो हम पानी पीते हैं वही वाटर की बात कर रहा हूँ। सिंपल अगर वाटर है तो वी नो कि उसमें एच प्लस और ओ एच माइनस दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है और इक्वल होता है, डैट इज़ 10⁻⁷ मोलर। ये आपको याद रखना है, रूम टेम्परेचर पर ये फिक्स है, राइट। तो इसलिए पी एच और पी ओ एच दोनों इक्वल होंगे और 7 हो जाएगा, इसलिए वाटर न्यूट्रल होता है, राइट। इसीलिए अगर प्रैक्टिकल फीलिंग की बात करें तो वाटर को थोड़ा अगर हम बॉयल करते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, और वाटर को अगर नॉर्मल कंडीशन में पीते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे बेटा तो फिर ये कंसंट्रेशन एच प्लस ओ एच माइनस चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलियम कॉन्स्टेंट जो है वो चेंज हो जाता है। इक्विलियम कॉन्स्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो चूंकि हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, जब तक वो कुछ टेम्परेचर मेंशन ना करे, चेंज ना करे, आपको चेंज नहीं करना है। रूम टेम्परेचर होता है, डैट इज 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें फिक्स हैं, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है। इसलिए पी एच पी ओ एच न्यूट्रल वाटर का, जब वाटर में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो फिक्स है 7, और के डब्ल्यू 10⁻⁴ है। आपको यह भी मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे पी एच प्लस पी ओ एच का सम ऑलवेज 14 होगा, राइट। ये दोनों का सम भी फिक्स है, एक फिक्स नंबर है 14। अगर पी एच ज़्यादा होगा तो पी ओ एच कम होगा, और अगर पी ओ एच ज़्यादा होगा तो पी एच, बट दोनों का सम 14 आना है। तो पहले टाइप का सोल्यूशन का क्लियर है, राइट। सेकेंड टाइप, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वाटर में मैंने एसिड सिर्फ ऐड किया, ध्यान दे, वाटर में सिर्फ हमने एसिड ऐड किया। अब एसिड में कंडीशन हो सकती है कि आपने जो एसिड ऐड किया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, या फिर वो वीक एसिड है, या फिर वो मिक्सचर ऑफ एसिड है। मिक्सचर ऑफ एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड एक से ज़्यादा ऐड कर दिया, या वीक एसिड एक से ज़्यादा ऐड कर दिया, या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड दोनों ऐड कर दिए, राइट। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है। डैट मीन्स वाटर में हमने सिर्फ एसिड ऐड किया है। तो वेरी सिंपल, आप पीएच कैसे निकालेंगे? अगर वो एसिड वीक एसिड है, और ये कैसे पहचानेंगे? तो हमने बता दिया, क्वेश्चन में इक्विलियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे देगा, जो कि ऑलवेज 1 से लेस होगा। तो अगर वो इक्विलियम कांस्टेंट की वैल्यू के ए दे देता है, मतलब वो एसिड आपका वीक हो गया है, नहीं देता है तो वो स्ट्रॉन्ग है। वेरी सिंपल। तो वीक एसिड में एच प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस रूट अंडर ऑफ, दैट इज घर के अंदर, राइट, रूट अंडर ऑफ के इक्विलियम कांस्टेंट इनटू एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा उससे आप निकाल लेंगे, राइट। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वीक एसिड को एच ए, और जब भी वीक एसिड होगा तो डबल साइन से दिखाएंगे, इक्विलियम साइन से एच प्लस
और ए माइनस में ब्रेक होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन टी इक्वल टू जीरो पे सी है तो इसका जीरो जीरो होगा, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर सी में से सी अल्फा गया तो इसका सी अल्फा बनेगा 1:1 रेशियो, राइट। इसलिए आप एच प्लस दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है एसिड के कंसंट्रेशन से, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तो रूट अंडर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट, 1:1 है तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, एक एक सी कैंसिल हो गया। अगर अल्फा 1 से वेरी लेस है तो डेफिनेटली फिर 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये सी अल्फा स्क्वायर ये हम लेते हैं। तो कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब है वीक एसिड होगा तो एच प्लस फिक्स है रूट अंडर ऑफ के इंटू सी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो इसमें इतना झंझट ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आप कैसे पहचानोगे, के नहीं गिवन होगा, सिंगल एरो से दिखाएंगे, तो जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा वही H+ का हो जाएगा अगर 1:1 में ब्रेक हो रहा है तो। ध्यान दें अगर यहाँ पे H2 है, दो H+ अगर दे सकता है, डाइप्रोटिक एसिड है तो इसके एक मोल से इसका दो मोल मिलेगा, इसलिए इसके सी कंसंट्रेशन से इसका 2C मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, यहाँ से एक तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाटर में जो भी एसिड ऐड किया तो H+ नेट कितना है, टोटल H+ कितना हुआ, दैट मीन्स सारे सोर्स से आने वाले H+ को ऐड कर लेना है। इसलिए नेट H+ क्या हो जाएगा, H+ फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ऑल सोर्सेज में कौन कौन हो गए, एक खुद वाटर जो कि फिक्स था, राइट, 10^-7, फिर उसका जो एसिड आपने ऐड किया वो सारे को जोड़ देना है। अब यहाँ पे जो ध्यान देना है कि अगर आप दो या तीन H+ को जोड़ रहे हो तो उसमें ध्यान देना है कि डिफरेंस अगर 100 से ग्रेटर का हो रहा है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ बिग वन को कंसीडर करना है, रेस्ट को छोड़ देना है। कैसे, उसको देखो, सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कहीं पे H+ का कंसंट्रेशन 10^-2 आया, राइट, और वाटर का 10^-7 है, ये दोनों है, तो डेफिनेटली ये बहुत छोटा हो गया इसके कंपैरिजन में, राइट, क्योंकि 10^-2 आप समझ रहे हो 1/100 है, ये 1/10^7 है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए H+ कितना हो जाएगा, 10^-2। तो इस पॉइंट का यही मतलब, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि अगर आप बहुत सारे सोर्सेज हैं H+ के तो उन सबको ऐड कर रहे हो तो कि इसमें जो सबसे बड़ा होंगे उससे कंपेयर करना जो रेस्ट बचे हुए हैं, और अगर डिफरेंस 100 से ज़्यादा कर रहा है तो निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे H+ 10^-3 है, प्लस 10^-6 है, प्लस 10^-7, ऐसा आ रहा है आपको, तीन सोर्सेज हैं। तो ध्यान से देखो, ये 10^-3 जो है वो इससे भी और इससे दोनों से बिग है, तो हम इन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे, हमारा H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10^-3। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक से ज़्यादा सोर्सेज अगर H+ के हैं तो आपको क्या करना है, सबका ऐड तो करना है, लेकिन ऐड करते वक्त ध्यान रखना है कि डिफरेंस 100 से ज़्यादा का है तो निगलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप 100 rupees इन्वेस्ट करते हो और आपका फ्रेंड 1 rupees, तो उसका कोई मतलब नहीं, राइट, वेरी सिंपल। तो वैसा ही अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको H+ आ गया, मतलब pH आ चुका है, क्योंकि ऑलवेज हमें H+ निकलना है, pH क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग H+, राइट। वैसे ही थर्ड टाइप क्या हो सकता है, बेस, तो बिल्कुल इसके जैसा ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट H+ मिलता है, यहाँ पे आपको OH- मिलेगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। वाटर में सिर्फ हमने क्या ऐड किया, बेस, तो बेस ऐड किया है तो फिर से क्या क्या हो सकता है, वीक बेस ऐड किए होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किए होंगे, मिक्सचर ऑफ बेस ऐड किया होगा, तो जो भी आपने ऐड किया तो इस केस में डायरेक्ट OH- मिलेगा। यहाँ पे H+ क्या था, रूट अंडर K इंटू सी, बेस के केस में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KB, तो KB इंटू सी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, POH। तो pH निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14-POH, यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको, pH, बाकी सारी कंडीशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में 600 ml 0.01 molar HCl में मिक्स किया गया है 400 ml 0.01 molar H2SO4, तो इस सोल्यूशन का pH क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों एसिड का नहीं दिया, डैट मीन्स दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम H+ का सोर्सेज निकाल लेंगे, तो इससे H+ आपको कितना मिलने वाला है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान से देखो तो ये 6 mmol आपको आ जाएंगे, किसका, H+ का, राइट। और यहाँ से जो H+ आएंगे, ध्यान देना है H2SO4 है, इसके एक मोल से 2 mol H+ मिलेगा, इसलिए ये 8 mmol आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो टोटल H+ के मोल्स कितने हो गए, 14 mmol। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 / टोटल वॉल्यूम इज 1000, तो ये हो गया 14 × 10^-3,
राइट, कंसंट्रेशन आ चुका है। तो पीएच आपको बता रखा हूँ कैसे करते हैं, ये थ्री वाले को आगे ले आना है 10 की पावर वाला, और ये लॉग 14 माइनस में हो जाएगा। 14 को भी आप कितना लिख सकते हो, 15 अप्रॉक्स में। लॉग 15 अगर इसको लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो, तो लॉग 5 × 3, लॉग 5.7 होता है, लॉग 3.48, तो ये राइट, तो ये 1.18 हो जाएगा। तो 3 में से 1.18 मतलब 1.2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.8, तो योर आंसर विल बी 1.8। तो ध्यान से देखो, बहुत ईजिली कर सकते हैं, राइट। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक वीक एसिड है, कैसे पता लगा, क्योंकि के एक इवन है और 1 से लेस है, तो वीक एसिड उसका पीएच बताना है 0.02 मोलर है। तो आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट एच प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ के ए 2 × 10⁻⁵ इंटू कंसनट्रेशन सी डेट इज 0.2। तो यहाँ से देखो, ये पॉइंट से 2/10, तो 10⁻⁶ उसका रूट 10⁻³ और 2 का रूट सिर्फ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³। तो अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट पीएच कितना हो जाएगा, 3 − log 2, 3 − log 2 इज 0.3, तो डेट इज 2.7, तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में H2SO3 है, उसका Ka1 और Ka2 गिवन है, pH ऑफ दिस मोलर H2SO3। तो यहाँ पे ध्यान देना है, Ka1 बहुत ही बड़ा है Ka2 से, कैसे पता लगा, ध्यान से देखो, 10⁻², है और ये 10⁻⁸ है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे जाते हैं, और बाय द वे चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन और 1 से लेस है, तो इसका मतलब ये वीक एसिड है। तो अगेन डायरेक्ट एच प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ के ए, तो यहाँ पे सिर्फ 1.7 × 10⁻², वाला लेंगे इंटू कंसनट्रेशन सी, तो 0.558 है, इसको 0.6 के आसपास ले सकते हो, 17 × 102, जिसको 100 ले सकते हैं, राइट। तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 100 और इसका पॉइंट, और इसका पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हो, तो नीचे में 100 × 10⁻², रूट अंडर में, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10⁻¹, तो पीएच क्लोज में कितना आ जाएगा, 1। तो आपको कैलकुलेशन में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा सकता है कि पीएच 3 है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो के बताओ, तो के चूँकि पूछा है, डैट मीन्स वीक एसिड है, और अभी बताया कंसंट्रेशन एच प्लस क्या होता है, रूट अंडर ऑफ के इंटू सी, बस यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं हर बार। एच प्लस निकल चुका है कैसे, यहाँ से पीएच 3 है, तो एच प्लस कितना जाएगा, 10⁻³, जितना यहाँ पे इंटीजर होगा 10⁻³ में जाने देना है, रूट अंडर ऑफ के आपको निकालना है, और सी कितना है, 10⁻¹, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 10⁻⁶ इज इक्वल टू के इंटू 10⁻¹, तो यहाँ से के कितना हो गया, 10⁻⁵। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये चारों प्रॉब्लम एसिड से रिलेटेड था, यही चार टाइप के प्रॉब्लम बेस से रिलेटेड भी आ सकता है, बट ध्यान रखना कि वहाँ से डायरेक्ट OH माइनस मिलेगा, पीएच निकालना होगा तो 14 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये चारों टाइप के प्रॉब्लम आपको बेसिक सॉल्यूशन से भी पूछे जा सकते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीएच जब हम निकालते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन होता है एच प्लस, राइट, वो मालूम होना चाहिए। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, इसलिए जब एक से ज़्यादा सोर्सेज हो तो आपको सारे सोर्सेज से पहले मोल्स ऑफ एच प्लस निकाल लेना। और वो कैसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, क्यों, क्योंकि मोलारिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो फिर ये सारे मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो आपको मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ध्यान रहे, ये काम तब आपको करना है प्लस वाला जब सेम नेचर हो, डैट मीन्स एसिड में एसिड ऐड करो, क्योंकि अगर एसिड में बेस ऐड कर दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो इसलिए सेम नेचर का होना जरूरी है, एसिड में एसिड ऐड करो या बेस में बेस। और एक क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे सिंपल वे में करना है, ध्यान से देखो, 0.01 मोलर वीक एसिड HA है, उसका Ka गिवन है, डिजॉल्व इन 0.1 मोलर HCl 1 लीटर में, तो अल्फा क्या होगा, डैट मीन्स ऑलरेडी आपके पास कोई HCl सॉल्यूशन था जिसका 1 लीटर था और उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था, HCl था, इसमें आपने ऐड किया 0.01 मोलर एक वीक एसिड HA, तो इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, देखो कैसे करना है, चूंकि ये वीक एसिड है तो इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से दिखाऊंगा, राइट,
और इसका के ए गिवन है मेरे को, डेट इज़ 2 × 10⁻⁶। तो ये ब्रेक कैसे होगा, वेरी सिंपल है। वीक एसिड का आपको कंसंट्रेशन गिवन था 0.01, राइट, स्टार्टिंग में ये 0.0 होंगे। अब क्या होगा, जब रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होंगी तो इसमें से कुछ इसका रिएक्ट होगा, इसका X बनेगा, इसका X। पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि H प्लस एक्चुअल में है कितना। तो अगर ध्यान से देखो तो H प्लस मेरे पास कितना है, ये X और प्लस ये ऑलरेडी 0.1, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसका K नहीं गिवन है, तो 0.1। चूँकि ये जो X है ये हम मान सकते हैं, या ऑलरेडी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वेरी वेरी लेस होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में आप वीक एसिड को ऐड कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग वाले और उसको वीक कर देते हैं, राइट, डेट इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं H प्लस 0.1 ही हो जाएगा। तो H प्लस आपको मालूम है, चूँकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, डेट इज 0.1 प्लस एक, दैट इज एक्चुअली 0.1, तो वो हमने पुट किया। कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस, तो वो एक्स पुट किया, और कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो ये भी एक्स इतना स्मॉल होगा कि 0.01 में से एक्स माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको 0.01 ही रखा हमने। और कैलकुलेट किया तो एक्स आया 2 × 10⁻⁷। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ, कि हमें क्लियर है कि हमने जो एजम्पशन लिया वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि एक्स आया 2 × 10⁻⁷, जिसको अगर मैं 0.1 में ऐड करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर 0.01 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा एजम्पशन सही है। नाउ हमसे पूछा गया डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन अल्फा, राइट, तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स ही क्या है, सी अल्फा के बराबर, और एक्स आप निकाल चुके हो कितना है, 2 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू सी, कंसंट्रेशन आपको मालूम था 10⁻², इंटू अल्फा, तो अल्फा यहाँ से कितना आ गया, 2 × 10⁻⁵, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपको बताया था अगर ये सी होगा तो 0.0, और ये सी माइनस यही सी अल्फा किए थे, तो ये सी अल्फा और ये सी अल्फा, तो यहाँ पे टोटल ए माइनस का कंसंट्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स है, डेट इज सी अल्फा है, एक्स हम निकाल चुके हैं और वही सी अल्फा के बराबर है, सी हमें मालूम है, तो वहाँ से अल्फा डीओडी आ जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर वाटर में एसिड और बेस दोनों को एक साथ अगर ऐड कर देंगे तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, वो भी रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से। तो पहले ध्यान से समझो कि अगर हमने वाटर में एसिड और बेस दोनों को एक साथ ऐड कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, राइट, एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं, सबसे पहले ये रिएक्शन हो जाएंगी। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वी ऑलरेडी नो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इस वाटर का कोई यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वाटर में आपने ऐड किया है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो अब ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, उसके लिए रफ़ी सर का सिंपल कंसेप्ट है कि रिएक्शन होने के बाद, आफ्टर रिएक्शन, आपको सॉल्यूशन को एनालाइज करना है कि उस सॉल्यूशन में फाइनली क्या बचा। तो तीन केसेज हो सकते हैं, राइट, एक केसेज वो कि सिर्फ सॉल्यूशन में सॉल्ट बचा हुआ है, और वो कब हो सकता है, जब आप एसिड और बेस उसी रेशियो में लिए जिस रेशियो में इसके स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ये कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा, तो ऐसे केस में उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम बोलेंगे। और इसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक आज के इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा आपको। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने जो एसिड लिया वो एक्सेस में ले लिया, तो फिर क्या होगा, एसिड अगर एक्सेस में ले लिया है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होने से सॉल्ट तो बन ही जाएगा, और जो एसिड एक्सेस में लिया जो अनरिएक्टेड है वो भी बच जाएगा। तो इसलिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि सॉल्ट तो है ही सॉल्यूशन में, प्लस जो एक्स्ट्रा एसिड लिया अनरिएक्टेड एसिड वो भी लेफ्ट है। अब जो वो एसिड है उस पर कंडीशन है, अगर वो एसिड वीक एसिड हो गया तो फिर एसिडिक बफर हो जाएगा, डैट मीन्स एसिडिक बफर होने के लिए सॉल्ट का होना ज़रूरी है प्लस वीक एसिड, और ये सॉल्ट कैसा होना चाहिए, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए, और वीक एसिड तो एसिडिक बफर बोलेंगे। अगर सपोज डैट कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर ये सिंपल एसिडिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसे केस में H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जो अनरिएक्टेड जो लेफ्ट एसिड का कंसंट्रेशन है उससे आप H प्लस निकालेंगे, फिर वहाँ से
पीएच निकालेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली एक कंडीशन क्या हो सकता है कि सर बेस को एक्स्ट्रा ले लिए, तो अगर आपने बेस को एक्स्ट्रा ले लिया तो सॉल्यूशन में सॉल्ट बचेगा प्लस जो वो अनरिएक्टेड बेस है वो बचेगा। अगेन वो बेस अगर वीक बेस हो गया तो बेसिक बफर, अगेन बेसिक बफर बनने के लिए वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट प्लस वीक बेस होना चाहिए, राइट। और दूसरा कंडीशन कि अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो सिंपल ये बेसिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे OH- माइनस आप किससे निकालेंगे, जो अनरिएक्टेड बेस है उसके कंसंट्रेशन से, उससे आपको POH मिलेगा, फिर pH निकालने के लिए 14 में से माइनस करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो रफ़ी सर ने आपको समझा दिया, उसको अप्लाई कैसे करना है तो वो भी वेरी सिंपल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड लिया, बैरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एसिड हो गया ये बेस, और दोनों को वाटर में ऐड कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो फिर वही कि पहला पॉइंट तो ये कि अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूँ, इसके 1 मोल लेता हूँ, डैट मीन्स देखो जो स्टॉइकोमेट्री है उसी रेशियो में हमने मोल्स लिया है, राइट। जरूरी है कि 2 होगा तो 2 ही लो, अगर ये 4 मोल लिया तो इसको 2 मोल्स लेना है, डैट मीन्स ये 2:1 रेशियो में होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसका स्टॉइकोमेट्री 2:1 रेशियो में, तो जो मोल्स लिया है उसका भी रेशियो अगर 2:1 में है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने एसिड का 1 मोल लिया और इसका 2 मोल लिया, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो गया कि बेस आपका ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ रेशियो कैसा आ रहा है 1:2 का, जबकि हमें क्या चाहिए था 2:1 का, राइट। तो एसिड कम अमाउंट में, बेस एक्सेस अमाउंट में, तो फिर ये ऐसे केस में सॉल्ट तो बनेंगे ही, राइट, प्लस ये बेस बच जाएगा आपका कुछ ना कुछ, तो सॉल्ट प्लस बेस हमारे सॉल्यूशन में रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये आपको बता रखा हूँ, बैरियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, या फिर इसका केवी नहीं गिवन होगा तो भी आप पहचान जाओगे। तो ये बेसिक सॉल्यूशन से हम निकालेंगे, डैट मीन्स जो लेफ्ट बेस का कंसंट्रेशन होगा उससे OH- माइनस आएगा, फिर उससे POH आएगा, फिर 14 में से माइनस करेंगे तो pH आएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि इसके 6 मोल लिए, इसके 2 मोल्स लिए, जस्ट ये एक एग्जांपल है। तो ये ध्यान से देखो 6:2, डैट इज 3:1 है, जो कि ग्रेटर हो गया इस रेशियो से, डैट मीन्स एसिड आपका एक्सेस अमाउंट में आप देख सकते हो और बेस लेस अमाउंट में, तो ये रिएक्शन होंगे तो सॉल्ट तो बनेंगे, राइट, प्लस आपका ये एसिड बच जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट में, तो ये सॉल्ट और एसिड बच गया, और चूंकि ये एसिड एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका के गिवन होगा आपको, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिर एसिडिक बफर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना। ओनली थिंग इज कि आपको क्या कर सकता है, डायरेक्ट मोल ना दे करके मास दे देगा, तो पहले मोल्स निकाल लो, राइट, या फिर हो सकता है कि इसका आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे, एनी हाउ आप पहले मोल्स निकाल लेंगे, मोल के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपके सॉल्यूशन में है क्या। मोल निकालने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो हमारा सिंपल मोल कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। नाउ रफ़ी सर का वो ट्रिक जिससे आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखो क्या होगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, राइट, आपको एनालाइज करना बता दिया। अगर हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट है, ये कैसे पता लगेगा, तो 2 तरीके से, जो एसिड और बेस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो उसी रेशियो में लिए गए हैं जिस रेशियो में उसके स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर इसके मोल्स एसिड और बेस के स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है, या फिर अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो भी वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है। और ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ है ट्रिक। ट्रिक का पॉइंट क्या है, वेरी सिंपल, मैंने एक टेबलर फॉर्म में बनाया, टेबल देख के नहीं डालना, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, सीरियल नंबर, टाइप, टाइप कहने का मतलब जो आपने एसिड और बेस लिया वो किस टाइप का लिया। यहाँ पे एसए का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं बता रखा हूँ, ये 6 एनायन वाले, Cl- Br- I- ClO4- NO3- SO4-2, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है। और दूसरा कैसे पहचानेंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन होगा क्योंकि ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होंगे। सिमिलरली SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में 5 कैटायन आते हैं, सोडियम प्लस, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप वाले 4, सेकेंड ग्रुप वाले लास्ट वाले बैरियम।
दूसरा कैसे पहचान सकते हैं, इसका के भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, राइट। डब्ल्यू ए का मतलब है वीक एसिड, डब्ल्यू बी का मतलब वीक बेस। तो सॉल्ट कैसे कैसे बन सकते हैं ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डेट मीन्स एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो जो सॉल्ट बनेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। सिमिलरली वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या फिर वीक एसिड वीक बेस, यही चार हो सकते हैं राइट कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया, पहचानेंगे कैसे तो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो वेरी सिंपल एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे सोडियम प्लस तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, Cl- ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन हो और स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन हो तो उससे बने हुए सॉल्ट को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, जैसे एग्जांपल NaCl। जैसे इसको अगर पहचानना हो सोडियम एसीटेट, तो सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है और एसीटेट आयन ध्यान से देखो इसमें नहीं है, और इसका के आपको गिवन भी होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ से पता लग जाएगा ये वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड Cl- आपका स्ट्रॉन्ग में आ गया, लेकिन अमोनियम स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं है, तो ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, ये बहुत इजीली पहचान लोगे। और अमोनियम एसीटेट तो दोनों ही वीक पार्ट हैं राइट, तो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप कैसे पहचानेंगे, अगर एनायन इन छः एनायन में से कोई है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कैटायन इन पाँच में से कोई है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और उसके बाद रेस्ट जो भी बचे हैं वो वीक हैं राइट, तो पहचान लेंगे। सॉल्यूशन का नेचर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन का एक आइडिया हो जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर कहां तक जाने वाला है। अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, इसलिए पीएच उसका फिक्स हो जाएगा 7 राइट, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्ट जो है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा राइट, सिंपल सी बात है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है बेस, तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है 7 से ज़्यादा, तो आंसर आपका जो भी आने वाला हो 7 से ज़्यादा वाले को टिक करना है। सिमिलरली वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है एसिड, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही जीतता है, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा नेचर में एसिडिक, डैट मीन्स हमारा आंसर 7 से लेस होने वाला है। सिमिलरली दोनों ही अगर वीक हो तो फिर ऐसे केस में कैसे करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि इन दोनों वीक में भी कौन ज़्यादा स्ट्रांग है राइट, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा सॉल्यूशन का नेचर वैसा होगा। अगर दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों का के भी इक्वल हो गया तो सॉल्यूशन फिर आपका न्यूट्रल हो जाएगा, अगर के ज़्यादा है डैट मीन्स एसिडिक ज़्यादा हो गया तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, के भी ज़्यादा है डैट मीन्स बेसिक हो गया तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए पीएच की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 7 से लेस भी 7 से ग्रेटर भी राइट। हाइड्रोलिसिस किस किस का होगा, इस पर बेसिस बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो कभी भी स्ट्रॉन्ग कैटायन या स्ट्रॉन्ग एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो वाटर उसको इज्जत देगा, तो क्या करेगा उसको बस चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, तो हाइड्रेशन होगा उसका, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यहाँ पर वाटर उससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्ट्रांग है, इसलिए किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जो वीक होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस होता है, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे वीक कौन है एसिड, तो एसिड का एनायन होता है तो एनायन का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे इस केस में CH3CO- का हाइड्रोलिसिस होगा। सिमिलरली यहाँ पे वीक बेस है तो अमोनियम आयन डैट मीन्स कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर दोनों वीक है तो दोनों का होगा। तो हाइड्रोलिसिस किसका होता है, जो वीक होते हैं। सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करता है, जो स्ट्रांग होते हैं, वेरी सिंपल। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, तो चूंकि यहाँ पे दोनों ही स्ट्रांग है तो के की भी आपको नहीं गिवन होगा, यहाँ पे वीक कौन है एसिड, तो इसलिए उसका के आपको गिवन होगा, तो उससे पता लग जाएगा कि वीक एसिड है। यहाँ पे वीक कौन है बेस, तो उसका के भी गिवन होगा, और यहाँ पे चूंकि दोनों ही वीक है तो के और के भी दोनों गिवन होगा। क्लियर है पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हम पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच निकालने का मतलब आपको एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, वेरी सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट एच प्लस आप कैसे निकालेंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो फिर दिक्कत ही खत्म हो गई, 10^-7 हो जाएगा, डैट मीन्स पीएच यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, जो यहाँ कर दिया, तो यहाँ कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। अगर वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो रूट अंडर, ध्यान से देखो तीनों में रूट अंडर होगा, और KW सब में ऊपर रहेंगे। वाटर का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है H प्लस और OH- का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, जो कि फिक्स है 10^-7
-14, इसलिए हमने इस कॉलम में के डब्ल्यू की वैल्यू लिख दिया है। ये बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है 10^-14 पुट करना है, राइट। तो ये फिक्स है। नाउ कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, ए फॉर एसिड, ए फॉर एबव। तो एसिड अगर होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऊपर में रखना है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिलो। अगर बेस होगा तो उसका के बी को नीचे रखना है, और यहाँ पे जो सी है उसका मतलब है कंसंट्रेशन। तो जैसे अगर मुझे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्यूशन का एच प्लस निकालना है, तो ध्यान से देखो के डब्ल्यू ऊपर, के ए, ए फॉर एसिड, ए फॉर एबव, तो ये ऊपर है तो आपका कंसंट्रेशन सॉल्ट का नीचे हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इस केस में निकालना हो, डैट मीन्स वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो आपको गिवन क्या होगा, के बी, एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ के डब्ल्यू, ऑलवेज ऊपर, चूंकि बी फॉर बेस, बी फॉर बिलो, तो के बी नीचे है तो सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। वेरी सिंपल। और ये स्क्वायर रूट है, यहाँ से एच प्लस आया, पी एच आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर के ए के बी दोनों गिवन है तो क्या करना है, वेरी सिंपल, एच प्लस का कंसंट्रेशन के डब्ल्यू ऑलवेज ऊपर, ए फॉर एसिड, ए फॉर एबव, तो के ऊपर, और बी फॉर बेस, बी फॉर बिलो, तो के बी नीचे, तो इस केस में कंसंट्रेशन आएगा ही नहीं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है कि वीक एसिड वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का पीएच उसके सॉल्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है के ए के बी पे। अब इसमें अगर के ए बड़ा होगा तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, के बी बड़ा होगा तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट बहुत क्लियर होगा, एकदम सिंपल है। आपको दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो डायरेक्ट एच प्लस 10^-7, अगर कोई भी वीक हो गया तो आपको डायरेक्टली कैसे लिखना है, एच प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ, डैट्स ओके, के डब्ल्यू ऑलवेज ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो, के गिवन होगा तो ऊपर कर देना, के बी गिवन होगा तो नीचे, कंसंट्रेशन अगर ए ऊपर है तो नीचे, अगर बी नीचे है तो ऊपर, और अगर दोनों ही वीक है, के ए के बी दोनों ही दे दिया तो फिर कंसंट्रेशन लेना नहीं है, डायरेक्ट के ऊपर, के बी नीचे। तो इससे इजी ट्रिक बेटा आपको कहीं नहीं मिल सकता। अब हम इसको अप्लाई करके आपको बताते हैं। नाउ अप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में पी के ए 5 है, पी एच ऑफ 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट का बताना है। तो ध्यान से देखो, सोडियम एसीटेट है तो ये सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, और ये वीक एसिड से, कैसे पता लगा, पी के ए गिवन है, पी के बी नहीं गिवन है, राइट। तो ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है तो सोल्यूशन बेसिक होगा, तो पी एच 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया आपका, इन तीनों में से कोई होगा। और कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ सॉल्ट का इन्फॉर्मेशन है तो आपको डायरेक्ट बोला है, H प्लस का डायरेक्ट कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो रूट अंडर ऑफ के डब्ल्यू 10^-14। के ए गिवन है बट ध्यान रहे पी के ए 5 है तो के ए कितना हो जाएगा 10^-5, तो के ए 10^-5, ए फॉर एसिड, ए फॉर एबव, और कंसंट्रेशन सॉल्ट का आपको गिवन है 5×10^-3। तो यहाँ से ध्यान से देखो 14 और 5 19 हो गया, 19 में से 3 जाएगा तो 16, तो ये 1/5×10^-16, तो ये निकालोगे तो रूट अंडर ऑफ 1/5×10^-8, तो यहाँ से पता लगा ये 8 होगा और ये प्लस में समथिंग होगा, तो 8 प्लस वाला आंसर एक ही है, 8.5। प्लस में क्यों, क्योंकि 5 नीचे में तो माइनस, और वो माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस ऑफ लॉग रूट अंडर ऑफ 1.5 होगा, राइट। तो इस टाइप से आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से भी दे सकता है कि 20 ml 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिक्स किए 40 ml 0.05 मोलर HCl से तो pH बताओ। तो अब पहले ध्यान से देखो कि यहाँ पे के वी गिवेन है, ये बेस हो गया वीक बेस, और एसिड है इसका कुछ नहीं गिवेन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। इनका अगर मिली मोल्स निकालोगे तो 20×0.1 कितना हो जाएगा 2 mmol, राइट। और इनका निकालोगे तो 40×0.05 तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 mmol। तो यहाँ पे जितना एसिड लिया उतना ही बेस, क्यों, क्योंकि रिएक्शन जब होगी तो NH4OH और HCl gives you NH4Cl plus water, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1 का है, तो आपने 2 mmol लिया है तो सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, सॉल्ट। और ये सॉल्ट कैसा बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, वो कैसे पता लगा, के वी गिवन है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, पीएच 7 से लेस होगा तो सब में है। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, तो आपको एच प्लस इस केस में डायरेक्ट बताया कैसे निकालना है, रूट अंडर ऑफ के डब्ल्यू 10^-14।
ए फॉर एसिड, ए फॉर एवा, बी फॉर बेस, बी फॉर बिलो, तो ये नीचे जाएगा 10^-5। और इसका कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो इसके 2 मिलीमोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ऐड करना नहीं बोलेंगे, तो 40+20 डेट इज 60, राइट। तो ये हो जाएगा 1/30, तो आप इसको कर दो 1/3×10। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 5 में से एक चला जाएगा तो 10^-4, ऊपर जाएगा तो 10^-10, जो कि 10^-5 में बाहर निकलेगा और इंटू रूट अंडर ऑफ 1/3 रहेगा, राइट। नाउ आपको मालूम है कि ये 5 हो जाएगा, और चूंकि ये नीचे में है तो प्लस हो जाएगा 5 point something, ऐसा एक ही ऑप्शन है सी। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक और कर सकता है कि वो मास दे दे, मास से पहले मोल्स निकाल लो फिर आप एनालाइज करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में अमोनियम फॉस्फेट है, पीके भी गिवन है, पीएच बताना है। तो चूंकि हमें के भी दोनों गिवन है, डेट मीन्स ये दोनों वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ऐसे केस में पीएच मैंने आपको डायरेक्ट बताया, H+= √KW 10^-14 Ka, तो Ka कितना हो जाएगा 10^-6, और Kb, तो Kb कितना हो जाएगा 10^-4, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 10^-4 कितना होगा, तो ये 10^-8 आ जाएगा रूट का, तो pH कितना हो जाएगा 8। और वैसे भी हमें एक आइडिया था कि 7 और 6 नहीं हो सकता, क्यों, pKa pKb इक्वल नहीं है, और चूंकि pKb कम है इसका मतलब Kb ज़्यादा होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा, तो आंसर हमारा 7 से ज़्यादा आना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो एक तरीके से आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, ऑप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.01 मोलर HCl NOH CH3CO और NaCl का pH ऑर्डर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है सबका कंसंट्रेशन सेम है, ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट हो गया, ये सिर्फ सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, और ये सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना ज़्यादा एसिडिक पीएच उतना कम, तो पीएच का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा NaOH का पीएच होगा, राइट। उसके बाद आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट CH3CO Na का होगा, फिर NaCl न्यूट्रल PaSA1 और फिर HCl, तो इस सबसे पूछ सकता है, अगर POH का पूछता तो इसका उल्टा हो जाता। तो जस्ट मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ बेटा ये 5 प्रॉब्लम से कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा और कैसे आप इजीली करेंगे रफी सर के सिंपल ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 5 में विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज, तो हाइड्रोलाइज कौन हो सकता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होगा, तो इसमें ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है और स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, तो यही हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, इसमें ये एसिटेट एंड वीक एसिड से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा बट ये नहीं होगा, तो ओवरऑल सॉल्ट की तो हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें अमोनियम हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, सीएल नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से, बट ओवरऑल सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, और यहाँ पे दोनों का होगा क्योंकि दोनों ही वीक से, राइट। हेलो एवरीवन, कैसा का है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, और बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन एसिडिक बफर्स है, तो वेरी सिंपल, दो ट्रिक्स है रफ़ी सर के पास। पहला तो ये कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन में वीक एसिड का कुछ कंसंट्रेशन गिवन है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का अगर कुछ कंसंट्रेशन है, तो फिर वो एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, राइट। वीक एसिड कैसे पहचानेंगे, उसका इक्विलियम कांस्टेंट गिवन होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानेंगे कि उसका इक्विलियम कांस्टेंट नहीं गिवन होगा। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन में वीक एसिड का कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगा, नहीं तो उसके कुछ अमाउंट गिवन होंगे या मोल्स गिवन होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ कंसंट्रेशन या अमाउंट या मोल्स गिवन होंगे, बट द कंडीशन इज कि ये दोनों जिस स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका मोल्स ज़्यादा होना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स आफ्टर द रिएक्शन आपका क्या बचेगा, सम अमाउंट ऑफ वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि आफ्टर द रिएक्शन एनालाइज करो, अगर वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट दोनों प्रेजेंट है तो एसिडिक बफर, या फिर बिफोर द रिएक्शन एनालाइज करो कि जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो वीक एसिड का मोल्स या कंसंट्रेशन ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये दोनों ही केस आप पहचान लोगे वेरी इजिली कि ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। एसिडिक बफर के
क्वेश्चन का पीएच कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड कौन सा, जो लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन जो बचा है, जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग में गिवन है वो नहीं, रिएक्शन होने के बाद कितना बचा वो पुट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आफ्टर द रिएक्शन है तो जो गिवन है वो पुट करेंगे। क्लियर है? पी के ए कैसे निकालेंगे, अगर के ए गिवन हो तो के ए ऑलवेज आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, जो कि सम एक्स इंटू 10 की पावर माइनस वाई होगा। तो पी के क्या हो जाएगा, ये वाई को आगे ले आना है इंटीजर टाइप में और माइनस में लॉग एक्स हो जाएगा, राइट? इसका भी ट्रिक्स मैं लॉग कैलकुलेशन में दे रखा हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलती होती है वो इस पॉइंट पे होती है, कंसंट्रेशन ऑफ, हमने एनायन लिखा, बहुत सारे बुक यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है। कैसे, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन का मतलब जो भी आपका सॉल्ट है उसको आप ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद एनायन का कंसंट्रेशन आप लेंगे, राइट? अगर वो सॉल्ट 1:1 रेशियो में ब्रेक होता है तो जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वही एनायन का होता है, इसलिए उस कंडीशन में वो करेक्ट है। बट जैसे इस केस में मैंने स्पेशली ये लिया है, यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन सी डैश है तो एनायन का 2C- होगा। क्यों? क्योंकि इसके एक मोल से इसका कितना मिल रहा है, 2 मोल्स, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ एनायन पुट करना है। अगर वो सॉल्ट 1:1 रेशियो में ब्रेक हो रहा है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, बट अदर रेशियो में ब्रेक हो रहा है तो आपको ध्यान देना है। और इस सॉल्यूशन का आंसर आपको ऑलरेडी क्लियर है कि 7 से लेस आएगा, पीएच 7 से लेस होगा क्योंकि एसिडिक बफर है। इसका एग्जैक्टली दूसरा पार्ट है, डैट इज बेसिक बफर। तो सब कुछ को आपको क्या कर देना है, रिवर्स मैनर में सोचना है। बेसिक बफर में बेस अब वीक होना चाहिए, ध्यान दें, अगर एसिडिक बफर बोलेंगे तो एसिड वीक होना चाहिए, बेसिक बफर में बेस वीक होना चाहिए और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन एक्स और इसका वाई है, तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है डैट मीन्स वो बेसिक बफर का क्वेश्चन है। या फिर दूसरा तरीका है पहचानने का कि आपको वीक बेस गिवन होगा, ये कैसे पहचानोगे, इसका आपको केवी गिवन होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको गिवन होगा, ये कैसे पहचानेंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन नहीं होगा। तो अगेन इनके कंसंट्रेशन या इनके मोल्स शुड बी ग्रेटर देन एसिड के कंसंट्रेशन या मोल्स होंगे, तभी ये बेसिक बफर होगा। बेसिक बफर में पीएच कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट पीएच नहीं आएगा, पीओएच आएगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। यहाँ पे पीएच था तो यहाँ पे पीओएच कर देना, यहाँ पे पी के ए था एसिड वीक था उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे पी के बी हो जाएगा बेस वीक है तो बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे एनायन था तो यहाँ पे कैटायन हो जाएगा, यहाँ पे एसिड था तो यहाँ पे बेस होगा। सबको रिवर्स मैनर में कर देना है, के होगा तो के बी से रिप्लेस कर देना है, एनायन है तो कैटायन से, एसिड है तो बेस से, पीएच है तो पीओ से। तो यहाँ से पीओएच निकला, पीएच निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 14 - पीओएच से, राइट? अगेन सेम पॉइंट, के बी अगर आपको इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हो तो क्या हो जाएगा, पी के बी जेड माइनस लॉग टी, राइट? अगेन यहाँ पे कटायन का कंसंट्रेशन पुट करना है, सॉल्ट का नहीं, सॉल्ट का नहीं इसलिए क्योंकि अगर सॉल्ट कैसे ब्रेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 1:1 में होगा तो फिर वही पुट कर सकते हैं, बट जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके एक मोल से आपको इसका 2 मोल्स मिलने वाला है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन C1 है तो एक्चुअली इसका कंसंट्रेशन कितना पुट करना पड़ेगा आपको, 2C1, इसलिए ये ध्यान रखना है। अगेन इसका आंसर का रेंज आपको क्लियर है क्योंकि पीएच 7 से ग्रेटर होगा, तो जो ऑप्शन गिवन होंगे तो उसमें पीएच 7 से ग्रेटर वाले ही हम टिक कर पाएंगे, और या पीओएच 7 से लेस होगा, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि बेसिक बफर में पूछ क्या रहा है, पीएच या पीओएच, राइट? तो ये हमारा ट्रिक का पॉइंट, अब हम अप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में 20 ml 0.1 molar NaOH इज एडेड टू 50 ml 0.1 molar CH3COH, pH आपको बताना है, pKa गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ करके मैं कैसे आइडिया लगा रहा हूँ कि ये एसिडिक बफर का, कैसे, ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले क्या गया है, बेस दिया NaOH और इसका के भी नहीं दिया, डेट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक एसिड दिया है, इसका pKa गिवन है मतलब वीक एसिड है, और ध्यान दें दोनों का एक तरह से आपको मोल्स गिवन है, तो विनो की NaOH और CH3COH जब रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट CH3CONA सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका कितना, ध्यान से देखो, 20 × 0.1, तो राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 mmol, राइट, ये 2 mmol है। एसिड के कितने, ध्यान से देखो, 50 × 0.1 करेंगे तो इसके 5 mmol है,
दोनों 1:1 रेशियो में रिएक्ट हो रहा है, तो आफ्टर द रिएक्शन ये तो जीरो हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएंगे, ये 3 बचेगा, इसका 2 मिलीमोल्स बनेगा, राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट और वीक एसिड बच गया, क्योंकि बेस तो ख़त्म हो गया। तो ऐसे केस में आपको बता रखा हूँ, हमारे पास फार्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू pKa जो ऑलरेडी गिवन आपको 4.76 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इसके मिलीमोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। ध्यान दें टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 20 + 50 = 70 ml, बट इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कैसे लिखेंगे तो 2/70, क्योंकि ये भी मिलीमोल्स में था वो भी ml था, कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएंगे कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड कौन सा लेफ्ट वाला, तो ये हो जाएगा 3 mmol/70। इसलिए आप वॉल्यूम को ऐड करके डिवाइड नहीं भी करो तो भी दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, वॉल्यूम कैंसिल हो जाते हैं इसलिए डायरेक्ट आप मोल्स में सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो 4.76, ये log 2 होता है 0.3 और log 3 माइनस में हो जाएगा 0.48, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कितना जाएगा, ये 4.58 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में Ka आपको गिवन है, राइट, 25 ml 0.2 molar। देखो सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट इज मिक्स विद 25 ml 0.02 molar एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, pH 5 गिवन है, तो Ka बताना है क्योंकि आपको Ka पूछा है, डेट मीन्स ये वीक एसिड हो गया, बेस कार में कुछ नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो अगेन ये एसिडिक बफर का, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट आपको आफ्टर द रिएक्शन का कंडीशन गिवन है क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन है और वीक एसिड का। तो अगेन सेम फार्मूला, pH 5 है, तो pH इज इक्वल टू क्या था, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाई एसिड। pH आपका गिवन है डेट इज 5, pKa आप निकालेंगे तो अभी रहने देते हैं ऐसे, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, एनायन का कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो ध्यान दे इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को, तो 0.2 × 25 कितना हो जाएगा, 5, राइट, डिवाइडेड बाय, अभी भाई बताया कि वॉल्यूम डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे, और एसिड का, तो एसिड का कितना हो जाएगा 25 × 0.02 डेट इज 0.5, तो राइट ये आ जाएगा आपका। यहाँ से सॉल्व करने के बाद 5 = pKa, राइट, और प्लस 1, तो यहाँ से pKa कितना आ गया, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 4, तो इसलिए Ka कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁴। तो इसलिए ये x पूछा था हमसे, तो हमें 10⁻⁵ में ले जाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁵, इसलिए x आ जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 3 में pH 4 गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय कंसंट्रेशन एसिड का रेशियो बताना है, Ka आपको गिवन था 1.3 × 10⁻⁵ और ऑप्शन आपको गिवन है। तो अगेन आप देख सकते हो pH और ये चीज़ें हैं, और डेफिनेटली ये एसिडिक बफर है, राइट, तो एसिडिक बफर में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ pH 4 हो गया, डैट इज pKa, तो pKa क्या हो जाएगा, 5 − log 1.3, आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ Ka गिवन है, तो प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डेट एनायन बाई एसिड, ये रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि चूंकि हमारे पास 3 अननोन है तो उसमें से कोई 2 दे करके तीसरा पूछ सकता है, राइट, ये एक उसमें से एक टाइप हो गया। नाउ आप इधर लेके आओगे तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ log 1.3 प्लस log, इसको मैं मान लेता हूँ x, इस रेशियो को निकालना हमें, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं लिखूंगा log 10⁻⁹, राइट, तो ये -1 हो जाएगा, लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये log a माइनस log b है, तो इसको लिख सकता हूँ log a by b, तो x by 1.3, log से log कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से x कितना आ गया 1.3 × 10⁻⁹ डेट इज 0.13, तो ऑप्शन b। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, चूंकि हमारे पास जो फार्मूला है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाई एसिड, तो इसमें ध्यान से देखो, ये एक अननोन है, ये एक अननोन है, और ये एक अननोन है, तो कोई 3 दे करके आपसे 2 पूछ सकता है, तो उसी में से ये एक वन ऑफ द टाइप था,
तो इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना बेटा। पहले वाले में क्या हो रहा है कि आपको एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अब जरूरी नहीं कि मोलारिटी वॉल्यूम दे, इसके मोल्स दे सकता है, इसका अमाउंट दे सकता है, राइट। एनी हाउ किसी तरीके से करके इसका मोल्स निकाल लेना है और इसका मोल्स फिर रिएक्शन करानी है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या लेफ्ट हुआ। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको एसिड, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। डायरेक्ट मोल दे सकता है, मास दे सकता है, राइट। तो कंसेप्ट सेम रहेंगे, क्वेश्चन को डिफरेंट वे में दे सकता है वो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, डेट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 50 ml 1 molar HCl इज मिक्स विद 30 ml 1 molar NaOH और आपको pH बताना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे Ka भी नहीं गिवन है, डेट मीन्स दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो HCl रिएक्ट करेगा जब NaOH से, तो आपको मालूम है सॉल्ट NaCl प्लस वाटर बन जाएंगे। HCl का कितना है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो 50 ml हो जाएगा, ml में ही रखो अभी। और NaOH का कितना है 30 × 1, तो 30 ml है। तो ये तो स्टार्टिंग, आफ्टर द रिएक्शन इसका 20 बच जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये जीरो होंगे और इसके कितने बन जाएंगे 30। अब बच्चे क्या लगा देते हैं कंसेप्ट कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्ट है और एसिड बचा हुआ है। बेटा ये जो एसिड बचा है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं होगा, ये सिंपल एसिडिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया। और ये सॉल्ट का तो पीएच वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच 7 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीएच को डिसाइड ये करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट एच प्लस मिलेगा क्योंकि ये 1:1 रेशियो में, तो डायरेक्ट एच प्लस आपके पास कितना है, ध्यान से देखो 20 ml डिवाइडेड बाई, ये तो मिली मोल्स है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो गया 1/4। तो H प्लस हमको कितना आ गया कंसंट्रेशन में 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 10^-2। तभी आपको बताया था pH कैसे लिखेंगे, 2 − log 25। log 25 को 5^2 लिख सकते हैं, 2 log 5, log 5 होता है 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 2 − 1.4, डेट इज आंसर विल बी 0.6। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा कि कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। तो ध्यान से देखो, 1 में 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 100 ml 0.1 मोलर NaOH है। चूंकि ये 1:1 रेशियो में रिएक्ट होते हैं, तो जितना आपने एसिड का मोल लिया उतना ही बेस का मोल है। तो ये सिर्फ सॉल्ट बनाएंगे आफ्टर द रिएक्शन, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं होगा, राइट। ऑप्शन बी में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे HCl, और NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ये भी नहीं बना सकता। यहाँ पे ये वीक एसिड था और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा एसिड से, इसलिए ये नहीं बना सकता, जबकि वीक एसिड का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 को चेक करो, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। तो पहले रिएक्शन हो जाएगा कैसे, ध्यान से देखो, CH3CONa प्लस HCl गिव्स यू CH3COH प्लस NaCl। आपको बताया था कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा, बट वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। तो यहाँ पे इसका जो है ध्यान से देखो 200 × 0.1 है, मतलब 20 है, और इसका जो है वो 100 × 0.1 मतलब 10 है। तो आफ्टर द रिएक्शन ये 10 बचेगा और ये भी आपका बाय द वे 10 बन जाएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन ध्यान से देखो, आपके पास वीक एसिड बचा और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, तो इसका मतलब ये एसिडिक बफर हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते, तो 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, आफ्टर द रिएक्शन आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में pKa वीक एसिड का गिवन था 4.5, pOH बताना है। क्वेश्चन में ये पॉइंट मेंशन था कि बफर सॉल्यूशन बन रहा है और वीक एसिड का, इन विच 50% एसिड आयनाइज हो रहा है। बस यहीं से समझना था, 50% आयनाइज होने का मतलब क्या हो गया कि वो एसिड का अगर 10 मोल लिया है तो 5 मोल्स रिएक्ट हो गया, 5 मोल्स बचा है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, जैसे HA लिया आपने और कोई स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लिया, राइट, तो आपका क्या बन जाएगा NaA और H2O। इसका 50% आयनाइज होना, मतलब अगर मैंने इसका 10 मोल्स लिया था तो आफ्टर द रिएक्शन ये 5 बचेगा और इसका भी कितना बनेगा 5। तो इस पॉइंट से ये समझना है कि 50% जब भी आयनाइज बोले तो जितना एसिड का कंसंट्रेशन होगा लेफ्ट वाला, उतना ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा अगर 1:1 रेशियो है। तो इसीलिए इस केस में जो हम pH निकालेंगे, तो pH का हमारा फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय एसिड। चूँकि यहाँ पे
एनायन का कंसंट्रेशन एंड एसिड का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो लॉग वन जीरो हो जाएगा, राइट। तो पीएच पीके के बराबर हो जाएगा। हमसे पीओएच पूछा गया है तो पीके आपको गिवन है 4.5, तो पीएच कितना हो गया हमारा 4.5, तो पीओएच कितना हो जाएगा 4.5 को माइनस कर देना कितना में से, 14 में से, तो कितना हो जाएगा डेफिनेटली ये 9.5। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये ध्यान रखना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन ध्यान से देखो, 50 ml 0.2 मोलर अमोनिया है, तो NH3 के कितने हो गए टोटल मोल्स, 50 × 0.2 कर दो तो 100, डेट इज 10। और HCl के आप अगर निकालोगे तो 25 × 0.2 कर दोगे तो ये 5 mmol हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों का मोल सेम नहीं है, बेस का ज़्यादा है तो ये बेसिक बफर बनेगा, और बेसिक बफर बनेगा तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आफ्टर द रिएक्शन जब NH3 और HCl रिएक्ट कर जाएंगे तो जब आपको NH4Cl मिलेगा तो यहाँ पे इसके 10 थे इसके 5 थे, आफ्टर द रिएक्शन ये 5 बच जाएगा और इसका 5 बनेगा, राइट। तो अगेन दोनों का क्या हो गया 1:1 रेशो है, कंसंट्रेशन सेम हो गया, इसीलिए POH आएगा डायरेक्ट आपको, राइट। POH कितना हो जाएगा, PKB जो आपको गिवन है 4.75, और प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और कंसंट्रेशन ऑफ बेस दोनों सेम ही है तो इसको मैं डायरेक्ट जीरो कर रहा हूँ, लॉग वन जीरो, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। तो पीओएच 4.7 है तो हमसे क्या पूछा गया, पीएच, तो पीएच अगेन 14 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.25। क्वेश्चन नंबर 8 में विच कैन मेक बेसिक बफर, बेसिक बफर बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि वीक बेस होना चाहिए और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट। तो ध्यान से देखो NH4H वीक बेस हो गया और ये एसिड है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है अगर इसका कंसंट्रेशन हम ज़्यादा लेंगे तो, राइट। बट ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नहीं हो सकता, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इससे एसिडिक बफर बन सकता है, बट बेसिक बफर पूछा गया तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होंगे। तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये टोटल 8 प्रॉब्लम लिए डिफरेंट टाइप के, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि बेटा आपको ऐसे करना है। सारे टाइप को हमने कवर कर लिया है, यूनो की सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा नहीं सकता हूँ, वीडियो लेक्चर का लेंथ लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑल टाइप कवर कर लिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे यहाँ पे मैंने एक वीक एसिड लिया, कैसे, क्योंकि इसका के क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, कैसे, इसका के भी नहीं गिवन होगा, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर सकता है कि इसका मास दे देगा और इसका मास दे देगा, राइट। तो मास से आप क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, इसके भी मास से आप मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो में मोल्स है कि नहीं। अगर स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं, अगर इसके मोल्स ज़्यादा हैं इसके मोल से, तो सॉल्ट का कुछ ना कुछ मोल्स बनेगा, राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट प्लस जो लेफ्ट एसिड रहेंगे वीक एसिड, तो इसलिए सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक बफर, राइट। फिर इसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रखा हूँ, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय एसिड। यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये अननोन है, ये अननोन है, और ये दोनों अननोन है, तो कोई तीन दे करके चौथा पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं ऑलवेज पीएच निकालने को बोला जाएगा, पीएच पीके दे करके इसका रेशियो बताओ, और मोल आप और कैसे निकाल सकते हो, तो मोलारिटी और वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन देगा, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मोल्स आ जाएंगे। तो बस ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन को लेंदी किया जा सकता है बट कंसेप्ट सेम रहेंगे, तो किसी भी तरीके से आपको पहले मोल्स निकाल लेना, फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे रेशियो है तो चूंकि वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालोगे तो ऊपर नीचे कट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट मोल्स में भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, कैसा का है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। डैट मीन्स एक ऐसा सॉल्ट जिसको वाटर में अगर आप ऐड करोगे तो उसका कुछ ही पार्ट डिसॉल्व होता हो, तो इसलिए हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी एस को डिफाइन करेंगे, डैट इज नथिंग बट मोलारिटी, राइट। दोनों एक ही बात है, और सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कितना मोल्स डिसॉल्व हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व बाय कितने वॉल्यूम में, राइट, इसलिए उसको बोलेंगे सॉलिबिलिटी। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। सॉलिबिलिटी अगर पूछा जा रहा है डैट मीन्स वो मोलारिटी है, डैट मीन्स वो कंसंट्रेशन है, बट अगर वो बोल रहा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो डैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डैट इज के एस पी, तो इसलिए
पॉइंट नंबर वन ये है कि के इक्विलिब्रियम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको यहाँ पे के एस पी से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, के एस पी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ओनली। डैट मीन्स जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी के एस पी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी कुछ और चेंज कर लो तो ये चेंज नहीं होगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ए जी सी एल, अगर ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा और वो ऑलवेज लेस देन वन होगा। जैसे यहाँ पे 4×10⁻⁸ है, तो अब अगर मैं ए जी प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, सी एल माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, वाटर ऐड कर दूँ, जो भी करना है कर लो, बट टेम्परेचर अगर मैंने चेंज नहीं किया तो अभी भी इन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ये एक फिक्स नंबर 4×10⁻⁸ ही आएगा। डैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन जरूर चेंज होगा, इसका चेंज होगा, लेकिन ये इस तरीके से चेंज होंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये एक फिक्स नंबर है। तो इसलिए इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कि के एस पी डेट इज़ नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तभी चेंज होगा जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। और जनरली इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम टेम्परेचर चेंज ही नहीं करते हैं, इसलिए एक बार क्वेश्चन में के एस पी की जो वैल्यू दे दी गई वो फिक्स हो गई। चेंज क्या होंगे, इसके इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, शो डैट कि इनका प्रोडक्ट फिर से उसी के बराबर आ जाए। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स का पॉइंट वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन दो फेज में आपसे पूछा जा सकता है, एक वो फेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्ट डिजॉल्व है, और यहाँ पे डेफिनेटली वो सॉल्ट कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। वो कैसे पता लगेगा, उसका के एस पी आपको गिवन होगा या पूछा जाएगा, राइट? तो अगर एक ही सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं तो उसके लिए रफी सर का ट्रिक है कि सॉल्ट को इस फॉर्म में वो दिखा सकता है ए एक्स बी वाई। इन जनरल हमने लिया क्योंकि कैटायन के कुछ नंबर होंगे, एनायन के कुछ नंबर होंगे, तो इस सॉल्ट का के एस पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक से लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा x उस पर पावर x, जो नंबर होगा उस पर वाई पावर कर देना है, यहाँ पे y है तो y पे पावर y, और अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर s है तो s पे पावर x प्लस y, इन दोनों को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए जी सी एल, तो यहाँ पे 1 है, ए जी एक कैटायन, सी एल एक एनायन, तो 1:1 रेशो में ब्रेक हो रहा है, तो के एस पी क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 और s की पावर 1+1 2, डेट इज एस स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्ट इज एस स्क्वायर, वेयर व्हाट इज एस, एस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, राइट? डेट मीन्स इसका कितना मोल्स डिजोल्व है पर यूनिट वॉल्यूम में। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली 2 MgSO4, तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, MgS का अलग O4 ऐसा ले लेते हैं, ऐसा नहीं बेटा, आपको देखना है कि वो कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है। तो एक Mg+2 आयंस होगा और एक सल्फेट आयन होंगे, राइट? तो यहाँ पे भी 1:1 रेशियो में, इसलिए KSP अभी भी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, राइट? इसलिए यहाँ पे ये लिखने का मतलब कि इसके कितने कैटायन मिल रहा है और एनायन कितने मिल रहे हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल जैसे A2B3 ऐसा कोई आ गया, राइट? तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 2, 3 है तो 3 का पावर 3, और s का पावर दोनों को जोड़ दो तो 5, तो ये 108 s की पावर 5 हो जाएगा। वेयर व्हाट इज s, s इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट, राइट? सिमिलरली एक और एग्जांपल AlCl3, तो एल्युमिनियम 1 है और क्लोरीन 3 आयंस मिलेंगे, राइट? तो अगर इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी S है तो इस बात का ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम का भी सॉल्युबिलिटी S ही होगा। क्यों? क्योंकि 1:1 रेशियो मिल रहा है, बट Cl का 3S हो जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कई बार यहाँ पे भी फंसा लिया जाता है, हम जो भी S लिए हैं वो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट का है, आयंस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी के बराबर हो सकता है अगर 1:1 रेशियो है, अदरवाइज स्टॉइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर S है तो क्लोराइड आयन का 3S मोल मिलेगा आपको, राइट? इसलिए S और यहाँ पे 3S, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 की पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 3 तो 27, और S की पावर 1 और प्लस 3 तो 4, तो ये लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो उसको एक एग्जांपल समझाया कि के एस पी कैसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एल प्लस 3 डेट इज S और पावर 1 स्टॉइकोमेट्री पावर में चला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस डेट इज 3S और स्टॉइकोमेट्री 3, राइट? तो इसलिए मैंने लिखा था 1 की पावर 1, यहाँ से 3 का पावर 3, राइट? और S का पावर 3+1 4, डेट इज 27 S की पावर 4। तो यहाँ का पॉइंट वेरी सिंपल है, जो भी सॉल्ट आपको गिवन है उसके कैटायन और एनायन में ब्रेक कर लें, जितना कैटायन का नंबर होगा उतने नंबर पे वही नंबर पावर कर देना है,
राइट, जितना एनायन का नंबर होगा उतने नंबर पे वही पावर नंबर में कर देना है और एस की पावर में कैटायन और एनायन के नंबर को जोड़ देना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक Al2SO4 होल थ्राइस, अगर ऐसे लिखो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको दो एल्युमिनियम के आयंस मिलेंगे और तीन सल्फेट के आयंस मिलेंगे। तो अगर मुझे इस सॉल्ट का KSP लिखना होगा तो डायरेक्ट मैं क्या लिखता, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, S का पावर 5, वेयर एस इज सॉलिबिलिटी ऑफ दिस होल सॉल्ट, राइट। बट सॉलिबिलिटी ऑफ Al+3 पूछा जाता है तो Al+3 का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, 2s, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल्स मिलेगा, और सल्फेट आयन का पूछा जाता अगर मुझे तो 3s हो जाता। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, तो ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, राइट। सेकेंड पॉइंट डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरा केस कैसा हो सकता है कि एक वीक सॉल्ट डिजोल्व किया गया वाटर में, कैसे पता लगेगा, KSP गिवन होगा, और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजॉल्व किया गया वाटर में, कैसे पता लगेगा, इसका KSP नहीं गिवन होगा। तो जब अगर वाटर में एक वीक सॉल्ट और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजॉल्व कर देंगे तो ऐसे केस में आपको कैसे निकालना, तो वेरी सिंपल, अगर ये वीक सॉल्ट है तो डबल एरो से आपको दिखाना है और Ag+Cl- हो जाएगा, राइट। अगर इसकी सॉलिडिटी S है तो 1:1 रेशियो है, तो ये S और ये S हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सपोज कर लो NaCl आपने डिजोल्व किया, तो इसको सिंगल एरो से दिखाएंगे और ये Na+ होगा और Cl-। अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये पूरा 100% डिजोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, अगर उसने मेंशन किया कि इतना ही परसेंट डिजोल्व हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, राइट। तो इससे इसका कंसंट्रेशन अगर C है तो ये C मिल जाएगा और ये C। क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि जो कॉमन आयन होंगे, जैसे देखो इसमें भी Cl- मिल रहा है और इससे भी Cl-, जो कॉमन आयन होंगे तो उसका कंसंट्रेशन वही पुट कर देना जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से मिलेगा। अगर मैं इस वाले वीक सॉल्ट का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं KSP, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, राइट। बट यहाँ पे Cl- का कंसंट्रेशन आपको कौन सा पुट करना है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से मिल रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट C पुट कर दिया। Ag+ का भी नहीं मालूम है और इसका KSP आपको गिवन होगा, अभी बताया आपको, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो ये अभी भी वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, राइट। ये तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए Z मान लेते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो Ag कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, दैट इज नथिंग बट जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आएगा वो पुट कर देना, तो यहाँ से जो अननोन होंगे वो आ जाएंगे। तो इसलिए ट्रिक का यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कॉमन आयन को पहचानना, ऐसे केस में जब एक वीक सॉल्ट और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजोल्व हो तो कॉमन आयन को पहचान लो, वो इजी है, उसका कंसंट्रेशन वही पुट कर देना जो स्ट्रॉन्ग से आपको मिलेगा, राइट। तो यहां से आपका अननोन पार्ट आ जाएगा। ध्यान रहे कि ऐसा करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अभी भी वही रहेगी। तो अब मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा, ट्रिक नंबर 2 कि कभी भी आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अगर KSP गिवन हो और उसके आयंस का कंसंट्रेशन गिवन हो तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है या फिर अभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में आएगी। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल आपको कंसेप्ट लगाना है कि दोनों आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे बाय द वे 1:1 रेशियो में ब्रेक हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं KIP निकालूं, आयनिक प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 4×10⁻¹। डैट इज एक्चुअली इक्वल टू KSP, डैट मीन्स यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, डैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर इस केस में निकालूं KIP तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4×10⁻¹, जो कि अगर ध्यान से देखो तो ग्रेटर हो गया KSP से, दिस इज ग्रेटर देन KSP। KSP से ज़्यादा होने का मतलब अब रिएक्शन को बैक माना पड़ेगा। ध्यान रहे, ऑलवेज KSP इज द आइडियल पर्सन, ऑलवेज उसको फॉलो करना है। रिएक्शन अगर पीछे रह गई है तो आगे जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, आगे चली गई है तो पीछे आना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझे, सपोज करो आपका डेस्टिनेशन ये है, तो अगर आप इधर से आ रहे हो तो अभी आपको आगे जाना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर आप आगे निकल गए तो आपको पीछे आना है। तो वैसा ही केस है, KSP इज़ द मेन पॉइंट, एक डेस्टिनेशन पॉइंट है तो यहाँ तक पहुँचना है, इसलिए अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इससे छोटी हो रही है तो आगे जाना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, बड़ी हो गई जो इस केस में हो रहा है तो पीछे आना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैक आएंगी, बैकवर्ड में आएंगी,
दैट मीन्स प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं के आई पी निकालूंगा तो कितना जाएगा, 4 और ये 4 तो 16 और 10 की पावर माइनस 10 दैट इज लेस देन के एस पी। यहाँ पे के एस पी आपका ज़्यादा हो गया तो अभी रिएक्शन और भी फॉरवर्ड में जाएगी, डैट मीन्स मोर सॉल्ट डिजोल्व होंगे तो अभी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड में जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आप आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो और उसको के एस पी से कंपेयर कर लो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है फाइनल पॉइंट कि अगर के एस पी और के आई पी इक्वल हो जाता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, के आई पी अगर ग्रेटर है तो बैक में आएगी प्रिसिपिटेट बनेगा, के आई पी छोटा है तो फॉरवर्ड जाएगी मोर सॉल्ट डिजोल्व होंगे। तो इसलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो वेरी सिंपल, जहाँ पे भी बोल दे कि जस्ट प्रिसिपिटेट हो रहा है ऐसा कंडीशन, तो आपको के आई पी और के एस पी को बराबर कर देना है, वहाँ से आपको अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और एक पॉइंट का और ध्यान रखेंगे, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो के आई पी है डैट इज़ नथिंग बट एक्चुअली में क्या है, क्यू रिएक्शन कोशेंट, और ये के एस पी क्या है, डैट इज़ के इक्विलिब्रियम, तो वही पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे के एस पी ऑफ बैरियम सल्फेट आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 10, सॉलिबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट पूछा जा रहा है इन 0.1 मोलर K2SO4। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका के एस पी दिया है डैट मीन्स ये वीक सॉल्ट है, और पोटेशियम सल्फेट का के एस पी नहीं गिवन है डैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। तो वी नो वीक सॉल्ट को कैसे आप ब्रेक करेंगे, बैरियम सल्फेट है राइट, तो बैरियम सल्फेट 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो बैरियम प्लस 2 सल्फेट माइनस, राइट। अब इसमें कुछ भी ऐड कर लो, इसका के एस पी एक बार दे दिया है 10 की पावर माइनस 10 तो वही रहने वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम प्लस 2 जिसको नहीं मालूम है हमें, मान लेते हैं कि अगर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी S है तो ये S मिलेगा, तो ये S हो जाएगा, और आपको बताया था कॉमन आयन हो गया ये, क्योंकि K2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2K प्लस में SO4 माइनस 2 में, इसका 0.1 मोलर आपने लिया है तो ये आपको 0.2 मिलने वाला है, 1 मोल से 2 मोल्स, और ये 0.1 मिलने वाला है। आपको बताया था जो कॉमन आयन होंगे उसका कंसंट्रेशन वही पुट कर देना जो स्ट्रॉन्ग से, तो इसलिए यहाँ पे S नहीं पुट करना आपको, यहाँ पे 0.1 कर देना है। तो यहाँ से S कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 9, ये हो गया मोल्स पर लीटर में। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, हमसे किसने पूछा है, ग्राम पर लीटर में, तो एक मोल का मास मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट इसका कितना होता है, 233, तो 233 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे हमारा x कितना हो जाएगा, 233। तो वेरी सिंपल, इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन सॉलिबिलिटी, s मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज गिवन, अगेन क्वेश्चन पे ध्यान रखना है ग्राम पर लीटर है राइट, और माइनस ऑफ log Ksp, डैट मीन्स सॉलिबिलिटी देकर के Ksp पूछा है, बट सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में, सॉलिबिलिटी ऑलवेज मोल्स पर लीटर में होता है, तो मैं निकाल सकता हूँ मोल्स में AgCl के मॉलिकुलर वेट, डैट इज 143 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे S, डायरेक्ट 10 की पावर माइनस 5, इसलिए Ksp क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रखा हूँ, 1 की पावर 1 तो 1 ही हो गया, और S की पावर 2 तो S स्क्वायर, तो ये 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, डैट इज 10 की पावर माइनस 10, माइनस ऑफ log Ksp, log लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो वेरी सिंपल, कैसे, माइनस ऑफ log Ksp की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, log 10 1 होता है। तो इट्स वेरी सिंपल इस टाइप से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको S दे करके Ksp पूछ लिया, कभी ऐसा हो सकता है कि Ksp दे करके S पूछ ले राइट, आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। जस्ट मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम ले रहा हूँ क्योंकि बार बार इसी कंसेप्ट को रिपीट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में Ksp आपको गिवन था सॉलिबिलिटी, देखो उल्टा कर दिया, Ksp गिवन है और सॉलिबिलिटी पूछा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख लूँगा, जो Ksp मुझे गिवन है वो 108 इंटू 10 की पावर माइनस 75 लिख लूँगा, और इसका Ksp आपको ट्रिक से बता रखा हूँ कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 का पावर 3, S का पावर कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 108 S की पावर 5, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 108 इंटू 10 की पावर माइनस 75, इसलिए 108 से 108 कैंसिल, तो S की पावर 5 है तो 5 से 15, तो यहाँ पे S सॉलिबिलिटी कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 15। ध्यान दे कि आपसे सॉलिबिलिटी ऑफ Bi2S3 पूछा गया, इसलिए ऑप्शन है, अगर सॉलिबिलिटी वैल्यू ऑफ Bi का पूछा जाता तो वो हो जाता 2S, इसलिए 2 इंटू
10 की पावर माइनस 15 बताते हैं। अगर सिर्फ एस सल्फाइड का पूछा जाता तो वो हो जाता 3s। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है Bi2S3 कैसे ब्रेक होगा, 2Bi में और 3s-2 में, राइट। तो इसलिए इसका अगर सॉलिडिटी s होगा तो इसका 2s और इसका 3s। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, पूछा किसका, यहाँ पे सॉल्ट का डायरेक्ट पूछा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 10 की पावर माइनस 15। अगर Bi+3 का पूछता तो 2s, दैट मीन्स 2 × 10⁻¹⁵ होता, और अगर सल्फाइड आयन का पूछता तो 3s, दैट इज 3 × 10⁻¹⁵ होता है। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। क्वेश्चन नंबर 4 में KSP आपको अगेन जिंक हाइड्रोक्साइड का गिवन है, सॉलिबिलिटी इन 0.1 मोलर NaOH। तो ये वही वाला पॉइंट हो गया कि आपका एक वीक सॉल्ट डिजोल्व है और एक और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजोल्व क्या है। तो अभी आपको बताया पहले वीक का कैसे लिख लेंगे आप, कैसे ब्रेक होगा ये Zn+2 2OH- में, और आपका ये NaOH तो आपको मालूम ही है डायरेक्ट सिंगल एरो से Na+ और OH-। तो यहाँ पे NaOH का कितना है 0.1, तो इससे ये भी 0.1 मिल जाएगा, ये 0.1, तो OH- का कंसंट्रेशन आपको मिल चुका है, डेट इज 0.1। तो KSP चेंज नहीं होगा, अभी आपको बताया टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, तो ये यही रहेगा 2 × 10⁻²⁰⁰ यहाँ से लिखेंगे। तो इसका सॉलिबिलिटी अगर मैं S मानूँ तो Zn+2 का सॉलिबिलिटी कितना हो जाएगा, S × यहाँ पे OH- का कंसंट्रेशन पुट करेंगे वो कितना हो गया 0.1। और ये स्टॉइकोमेट्री का ध्यान रखना है, वीक वाले सॉल्ट का हमें सब कुछ देखना है, तो स्टॉइकोमेट्री 2 है तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 2 × 10⁻¹⁸। तो वही आपको पूछा है कि X × 10⁻¹⁸ है तो X बताओ, तो यहाँ से X कितना आ गया 2, क्योंकि हमें सॉलिडिटी पूछा है किसका, जिंक हाइड्रोक्साइड का। तो इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में A2X का KSP आपको गिवन था 4 × 10⁻¹² और MX का भी KSP 4 × 10⁻¹² है, दोनों का सेम है, तो रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटी बताना है A2X/MX। तो वेरी सिंपल है, वही रफी सर का ट्रिक लगाओ, A2X का अगर आपको KSP लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2^2, 1^1, S³3, डेट इज इक्वल टू 4 × 10⁻¹². तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से S कितना जाएगा 10⁻⁴, राइट। दूसरा इसका निकाल लो MX का, तो MX का आप कैसे निकालेंगे KSP, वेरी सिंपल, 1^1, 1^1, S² S² डेट इज इक्वल टू कितना 4 × 10⁻¹², तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁶। इनका रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, सॉलिबिलिटी आपने A2X का निकाला 10⁻⁴/2 × 10⁻⁶, तो ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, बात वही रहेगी। यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, KSP दे करके S पूछा एक तरीके से, राइट। ऐसे प्रॉब्लम हम बहुत सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से भी दे सकता है कि ये है तो इसका S और KSP में क्या रिलेशन होगा, तो वेरी सिंपल, आपको डायरेक्ट KSP लिखना बताया, कैसे लिखोगे इसका KSP बोलो, ये 3 हो गया तो 3^3, ये 4 है तो 4^4 और S^7, तो S क्या हो जाएगा, ये नीचे में डिवाइड हो जाएंगे और होल पे पावर 1/7 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट पावर 7 है, रॉन्ग हो गया, होल पे पावर 1/7 तो आया लेकिन 144 नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहीं से देखो 4^4 है, यही आपका 144 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे KSP पे पावर 1/7 नहीं है, सिर्फ 6912 पे है, तो इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको सॉल्ट का KSP गिवन है, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर, तो कुछ बच्चे यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि ये सबसे कम है तो कम सॉलिबल होगा, बेटा ये KSP है, पहले इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सॉलिबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, AgCl का डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, S² डैट इज 10^-16, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 10^-8, राइट। सिमिलरली MgCl2 का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आपको बता रखा हूँ, Mg1 ये 2^2, तो 4 × S³3 = 4 × 10⁻¹⁵, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 10^-5। Bi2S3 का लिखना हो तो Bi2S3 में कैसे लिखेंगे, 2^2, 3^3, S^5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 108
10 की पावर माइनस 30, तो ये 108 108 कैंसिल हो जाएंगे, तो s कितना आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ सॉलिबिलिटी से अब आपको चेक करना है। अब यू नो पावर माइनस में जितना कम होगा वैल्यू उतना ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है, 10 की पावर माइनस 5, डैट इज MgCl2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, फिर 10 की पावर माइनस 6 डैट इज Bi2S3, देन फिर आपका AgCl। डायरेक्ट यहाँ से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में AgCl का KSP गिवन है 10 की पावर माइनस 16, MgCl2 का KSP गिवन है 4 × 10⁻¹⁵। आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा 0.01 मोलर NaCl में, डैट मीन्स वीक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को डिजोल्व किया गया। कैसे, क्योंकि इसका KSP नहीं गिवन है। तो कैसे करना, वेरी सिंपल, आपको बता रखा हूँ, जिसका KSP दे दे उसको डबल एरो से ब्रेक कर दो Ag+Cl-, और जिसका KSP नहीं दे उसको सिंगल एरो से ब्रेक कर दो Na+Cl-। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो इसका 10 की पावर माइनस 2 लिया है, तो यहाँ से Cl- भी आपको 10 की पावर माइनस 2 और Na+ भी 10 की पावर माइनस 2 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से अगर इसकी सॉलिडिटी अगर मैं S मानता हूँ तो ये S होगा, और Cl- डायरेक्ट आपको बोला हूँ क्या पुट कर देना है, 10 की पावर माइनस 2। S क्यों नहीं, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 वेरी वेरी ग्रेटर देन S होगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया। तो और चूंकि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है तो अभी भी KSP वही रहेगा, तो KSP कितना है 10 की पावर माइनस 16, डैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ डैट इज S, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डैट इज 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ से सॉलिडिटी कितना हो गया 10 की पावर माइनस 14। जो Ag+ का सॉलिडिटी वैल्यू होगा वही इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि 1:1 रेशियो है, राइट। तो यहाँ से आपको सॉलिबिलिटी की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस 14। वैसे ही सेम काम इसमें करो, तो MgCl2 कैसे ब्रेक होगा, Mg+2, ध्यान रहे यहाँ पे 2Cl-, राइट। अगेन इसकी सॉलिबिलिटी अगर आप S मानते हो तो ये तो S, इसको 2S मत करना, क्यों, क्योंकि NaCl हमारे पास कैसे ब्रेक होगा Na+Cl- में, 10 की पावर माइनस 2 है, तो इससे कितना मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 2। अगेन हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो KSP अभी भी वही रहेगा, डैट इज हाउ मच 4 × 10⁻¹⁵। दिस शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 डैट इज S, Cl- डायरेक्ट यहाँ से पुट करना है 10 की पावर माइनस 2, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाता है उस चीज़ को मत बोल जाना, पावर 2, राइट, ऑलवेज वीक वाले का हम लिखते हैं। तो यहाँ से S कितना जाएगा, ध्यान से देखो, 4 × 10⁻¹⁵ डिवाइडेड बाय ये कितना जाएगा 10⁻⁴, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 × 10⁻¹ⁱ, राइट। तो यहाँ से सॉलिबिलिटी ये आ रहा है और यहाँ से सॉलिबिलिटी ये आ रहा है, कौन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है, इसलिए MgCl2 ज़्यादा सॉलिबल है इन कंपेरिजन ऑफ AgCl। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। बेटा बहुत इजी है और बहुत अच्छे कंसेप्ट हमने सिखाया है, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जो कंसेप्ट बताया उसको फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। थैंक यू।